come back. You're not safe, Shalini. Please come back. कर देने वाली अदाकारी केरल की युवतियों की दर्दनाक दास्ता। इस बात में कोई शक नहीं है कि सिनेमा जनमानस की अवधारणाओं को बदलने के लिए बहुत बड़ी ताकत रखता है। अमेरिका और रूस ने अपनी अपनी सियासी विचारधारा को दुनिया भर में पोषित करने के लिए सिर्फ अपने अपने देश के सिनेमा का ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जहां जहां उन्हें उभरती अर्थव्यवस्थाएं दिखी वहां तक की सिनेमा को अपने हिसाब से घुमाया है। अब बारी भारत की है। भारत की अपनी विचारधारा क्या है ये बात दुनिया को समझाने की जरूरत है। जरूरत उस पूरी नई पीढ़ी को भी समझने की है जिसके लिए प्यार पहली नजर का बुखार होता है, लेकिन कई बार ये बुखार अपने पीछे एक ऐसा बीमार छोड़ जाता है जो ना सिर्फ अपने परिवार को बल्कि आसपास की पूरी समाज को संक्रामित कर देता है। फिल्म द केरल स्टोरी पर एजेंडा फिल्म होने के आरोप लगे हैं। आरोप लगा कि 30,000 लड़कियों के धर्म परिवर्तन का आंकड़ा झूठा है। ये फिल्म कहानी चार युवतियों की है, तीन पाले की एक तरफ और चौथी दूसरी तरफ। लेकिन अगर ये सच्ची कहानी किसी एक भारतीय युवती की भी है तो इसे दुनिया को दिखाया जाना चाहिए। अरसे तक मुझे लव जिहाद शब्द से प्रयोग पर गंभीर आपत्ति रही थी, लेकिन फिल्म द केरल स्टोरी सिरे से समझाती है कि इसे कैसे अंजाम दिया जाता है। फिल्म खत्म होने के बाद उन परिवारों को लोगों की असल इंटरव्यू दिखाया गया है जिनके साथ ये सब वाकई हो चुका है। एक हंसते खेलते परिवार की युवती शालिनी, जिसे अपनी संस्कृति, अपने परिवार, अपने रहन सहन और अपने आस पड़ोस से प्यार है। नर्स बनने के लिए वो नर्सिंग कॉलेज आती है। हॉस्टल में उसकी जिन युवतियों से दोस्ती है उनमें से एक उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाने का ताना बाना बुनती है जहाँ से वापसी की राह नहीं है। केरल से श्रीलंका, श्रीलंका से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से सीरिया का उसका सफर वहां आकर थमता है जहां उसकी जैसी तमाम लड़कियां आतंकवादी संगठन ISISI के कैंप में सिर्फ इसलिए जमा की गई है कि वो आतंकवादियों की देह की भूख मिटा सके। कहानियां फिल्म में और भी है, लेकिन सिर्फ ये एक कहानी झंझोर देने के लिए काफी है।
फिल्म द केरल स्टोरी शुरू होती है और बताती है कि जिन युवतियों की कहानी पर ये फिल्म बनी है उनके घर वालों ने कैमरे पर अपनी आप बीती सुनाई है। शुरू शुरू में तो लगता है कि ये एक ऐसी फिल्म है जिसे किसी खास राजनीतिक उद्देश्य से ही बनाया गया है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है ये दर्शकों को अपने साथ जोड़ने लगती है। दिखावे की हमले, दिखावे की सुनहानुभूति और दिखावे की प्रेम से युवतियों को बगर लाया जाता है। इस्लाम के मायने तोड़ मोड़ कर समझाए जाते हैं, जहां तक कि हिंदू देवी देवताओं और ईसा मसीह के बारे में तमाम ऐसे बातें कही जाती है जिन्हें देखकर लगता है कि अगर यही बात किसी और धर्म के बारे में कही गई होती तो क्या उस धर्म के अनुयायी भी इतने ही सहिष्णु होकर ये फिल्म देखने जाते। जाकिर नायक जैसे धर्म प्रचारकों के हत्कांडा का पर्दाफाश करती फिल्म द केरल स्टोरी खत्म होते होते एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित फिल्म बन जाती है जिसे कहना हर कालखंड में जरूरी लगता है। आदा शर्मा फिल्म द केरल स्टोरी में मुख्य भूमिका निभा रही है। पहले शालिनी और फिर फतिमा के किरदार में उन्होंने फिल्म को एक तरह से अपनी दोनों कंधों पर उठाए रखा है। केरल से ताल्लुक रखने वाली अपनी माँ से मलयालम उन्हें घुट्टी में मिली ही थी। वो पर्दे पर मलयालम बोलती भी कमाल की है। फिल्म दिल से के बाद ये दूसरी हिंदी फिल्म है जिसमें मलयालम में गाने हैं और भाषा समझ में ना आने के बावजूद सिर्फ आदा शर्मा के अभिनय और बीरेश श्रीवलासा के मधुर संगीत से ये गाना बहुत ही सुरुचिपूर्ण प्रभाव पैदा करने में सफल रहता है। फिल्म के रचनात्मक निर्देशक और निर्माता विपुल अमृतलाल साहा की इस बात के लिए दाद देनी चाहिए कि उन्होंने एक कठिन विषय पर फिल्म बनाते समय उसके कलाकारों के चयन में कोई समझौता नहीं किया गया है और उनकी पसंदीदा अदाकारा आदा शर्मा को इस फिल्म में अभिनय के लिए आने वाले समय में पुरस्कार मिलनी ही मिलनी चाहिए। फिल्म द केरल स्टोरी में शालिनी को सहेलिए की किरदार में योगिता बिहानी और सिद्धि इदनानी ने भी बहुत ही असरदार अभिनय किया है। एक कम्युनिस्ट नेता की बेटी के रोल में सिद्धि अपने किरदार का पूरा ग्राफ जीती है और प्रेम में डूबी लड़की से लेकर अपनी अस्तित्व गवाकर होश में आई लड़की की घुटने ना टेकने वाले ऐलान तक की दृश्य में उनका अभिनय नोटिस करने लायक है। योगिता बिहानी के किरदार का काम फिल्म में होशियार लड़की का है, लेकिन धोखे से जब उसके साथ भी सामूहिक बलात्कार होता है तो वो इस पूरे पांडे यंत्र का पर्दाफाश करने का बीड़ा उठाती है और इस किरदार को पर्दे पर उसके सारे अभिव्ययों के साथ योगिता ने बहुत ही खूबसूरती से पेश भी किया है। सोनिया बलानी यह उस युवती के किरदार में है जिसके पास साधारण घर की युवतियों को बहलाना फुसला कर उस युवकों की आगोश में पहुंचाना है और उनकी जिम्मेदारी है जो उनका सिल भंग करके उन्हें अपने कहे रास्ते पर चलने को मजबूर कर देते हैं। अपने इस किरदार में सोनिया कभी बिंदु तो कभी अरुणा ईरानी की याद दिलाती है। फिल्म द केरल स्टोरी पर तमाम आरोप लगे हैं, आगे भी लगने ही रहेंगे, लेकिन उसके निर्देशक सुदीप्त सेन ने तथ्य पर कायम रखते हुए एक संतुलित फिल्म बनाने की अच्छी कोशिश की है। फिल्म के कुछ दृश्य काफी भयावह है और कमजोर दिल के लोगों को असहज भी कर सकते हैं, लेकिन ये कथानक की गंभीरता जानने के लिए जरूरी भी नजर आते हैं। विश्व सिनेमा से सुदीप्त की नजर दी किया यह उन्हें अपनी विषय पर पकड़ बनाए रखने में पूरी मदद करती है। सुदीप्त की सिनेमा के बारे में जिन्हें पता है वो उनकी शैली की कौशल को कायल ही रहे हैं। वो सिनेमा में मेलोड्रामा पनपने नहीं देते, उनके दृश्य की नाटकीयता भी दहे तक हदे तय है और ये हदे भी फिल्म द केरल स्टोरी को एक अच्छी फिल्म का तगमा दिलाने में मदद करती है। फिल्म के संगीत जैसी है सरलता उसकी तकनीकी टीम में भी है। केरल से लेकर सीरिया और अफगानिस्तान जैसे इलाकों को पर्दे पर दिखाने के लिए इनकी वास्तविकता के बेहद करीब के स्थलों को फिल्माने के लिए फिल्म के छाया निर्देशक प्रशांतनु महापात्र ने अपने कैमरे को बेहद ही सतकर रखा है।
कॉस्ट्यूम डिजाइनर राधिका मेहरा की मेहनत फिल्म की किरदारों की वेशभूषा में अच्छे से झलकती है और अंगना सेन वो चेतन आश्चर्य ने फिल्म का वातावरण संजोने में अपनी प्रोडक्शन डिजाइन टीम के साथ मिलकर काफी मेहनत की है। फिल्म के खटकने वाले जो पहलू है वो है उसका बैकग्राउंड म्यूजिक और उसके मारधार वाले दृश्यों का संयोजन। फिल्म के कलाकारों का मेकअप भी थोड़ा बेहतर और दृश्य के प्रकाश संयोजन के हिसाब से होता तो असर गहरा होता। फिल्म द केरल स्टोरी इन कुछ कमियों के बावजूद अपना समग्र असर छोड़ने में सफल रहती है और अगर इसे निष्पक्ष भाव से देखा जाए तो ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म बिल्कुल नहीं नजर आती। अदा शर्मा की रोंगटे खड़े कर देने वाली अदाकारी, केरल की युवतियों की दर्दनाक दास्ता। इस बात में कोई शक नहीं है कि सिनेमा जनमानस की अवधारणाओं को बदलने के लिए बहुत बड़ी ताकत रखता है। अमेरिका और रूस ने अपनी अपनी सियासी विचारधारा को दुनिया भर में पोषित करने के लिए सिर्फ अपने अपने देश के सिनेमा का ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जहां जहां उन्हें उभरती अर्थव्यवस्थाएं दिखी वहां तक की सिनेमा को अपने हिसाब से घुमाया है। अब बारी भारत की है। भारत की अपनी विचारधारा क्या है ये बात दुनिया को समझाने की जरूरत है। जरूरत उस पूरी नई पीढ़ी को भी समझने की है जिसके लिए प्यार पहली नजर का बुखार होता है, लेकिन कई बार ये बुखार अपने पीछे एक ऐसा बीमार छोड़ जाता है जो ना सिर्फ अपने परिवार को बल्कि आसपास की पूरी समाज को संक्रामित कर देता है। फिल्म द केरल स्टोरी पर एजेंडा फिल्म होने के आरोप लगे हैं। आरोप लगा कि 30,000 लड़कियों के धर्म परिवर्तन का आंकड़ा झूठा है। ये फिल्म कहानी चार युवतियों की है, तीन पाले की एक तरफ और चौथी दूसरी तरफ। लेकिन अगर ये सच्ची कहानी किसी एक भारतीय युवती की भी है तो इसे दुनिया को दिखाया जाना चाहिए। अरसे तक मुझे लव जिहाद शब्द से प्रयोग पर गंभीर आपत्ति रही थी, लेकिन फिल्म द केरल स्टोरी सिरे से समझाती है कि इसे कैसे अंजाम दिया जाता है। फिल्म खत्म होने के बाद उन परिवारों को लोगों की असल इंटरव्यू दिखाया गया है जिनके साथ ये सब वाकई हो चुका है। एक हंसते खेलते परिवार की युवती शालिनी, जिसे अपनी संस्कृति, अपने परिवार, अपने रहन सहन और अपने आस पड़ोस से प्यार है। नर्स बनने के लिए वो नर्सिंग कॉलेज आती है। हॉस्टल में उसकी जिन युवतियों से दोस्ती है उनमें से एक उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाने का ताना बाना बुनती है जहां से वापसी की राह नहीं है। केरल से श्रीलंका, श्रीलंका से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से सीरिया का उसका सफर वहां आकर थमता है जहां उसकी जैसी तमाम लड़कियां आतंकवादी संगठन ISISI के कैंप में सिर्फ इसलिए जमा की गई है कि वो आतंकवादियों की देह की भूख मिटा सके। कहानियां फिल्म में और भी है, लेकिन सिर्फ ये एक कहानी झंझोर देने के लिए काफी है। फिल्म द केरल स्टोरी शुरू होती है और बताती है कि जिन युवतियों की कहानी पर ये फिल्म बनी है उनके घर वालों ने कैमरे पर अपनी आप बीती सुनाई है। शुरू शुरू में तो लगता है कि ये एक ऐसी फिल्म है जिसे किसी खास राजनीतिक उद्देश्य से ही बनाया गया है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है ये दर्शकों को अपने साथ जोड़ने लगती है। दिखावे की हमले, दिखावे की सुनाहानुभूति और दिखावे की प्रेम से युवतियों को बगर लाया जाता है। इस्लाम के मायने तोड़ मोड़ कर समझाए जाते हैं, जहां तक कि हिंदू देवी देवताओं और ईसा मसीह के बारे में तमाम ऐसे बातें कही जाती है जिन्हें देखकर लगता है कि अगर यही बात किसी और धर्म के बारे में कही गई होती तो क्या उस धर्म के अनुयायी भी इतने ही सहिष्णु होकर ये फिल्म देखने जाते। जाकिर नायक जैसे धर्म प्रचारकों के हथकांडा का पर्दाफाश करती फिल्म द केरल स्टोरी खत्म होते होते एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित फिल्म बन जाती है जिसे कहना हर कालखंड में जरूरी लगता है। आदा शर्मा फिल्म द केरल स्टोरी में मुख्य भूमिका निभा रही है। पहले शालिनी और फिर फतिमा के किरदार में उन्होंने फिल्म को एक तरह से अपनी दोनों कंधों पर उठाए रखा है। केरल से ताल्लुक रखने वाली अपनी माँ से मलयालम उन्हें घुट्टी में मिली ही थी।
वो पर्दे पर मलयालम बोलती भी कमाल की है। फिल्म दिल से के बाद ये दूसरी हिंदी फिल्म है जिसमें मलयालम में गाने हैं और भाषा समझ में ना आने के बावजूद सिर्फ आदा शर्मा के अभिनय और बीडेश श्रीवलासा के मधुर संगीत से ये गाना बहुत ही सुरुचिपूर्ण प्रभाव पैदा करने में सफल रहता है। फिल्म के रचनात्मक निर्देशक और निर्माता बिपुल अमृतलाल साहा की इस बात के लिए दाद देनी चाहिए कि उन्होंने एक कठिन विषय पर फिल्म बनाते समय उसके कलाकारों के चयन में कोई समझौता नहीं किया गया है और उनकी पसंदीदा अदाकारा आदा शर्मा को इस फिल्म में अभिनय के लिए आने वाले समय में पुरस्कार मिलनी ही मिलनी चाहिए। फिल्म द केरल स्टोरी में शालिनी को सहेलिए के किरदार में योगिता बिहानी और सिद्धि इदनानी ने भी बहुत ही असरदार अभिनय किया है। एक कम्युनिस्ट नेता की बेटी के रोल में सिद्धि अपने किरदार का पूरा ग्राफ जीती है और प्रेम में डूबी लड़की से लेकर अपनी अस्तित्व गवाकर होश में आई लड़की की घुटने ना टेकने वाले अलार्म तक की दृश्य में उनका अभिनय नोटिस करने लायक है। योगिता बिहानी के किरदार का काम फिल्म में होशियार लड़की का है, लेकिन धोखे से जब उसके साथ भी सामूहिक बलात्कार होता है तो वो इस पूरे पांडयंत्र का पर्दाफाश करने का बीड़ा उठाती है और इस किरदार को पर्दे पर उसके सारे अभिव्ययों के साथ योगिता ने बहुत ही खूबसूरती से पेश भी किया है। सोनिया बलानी यहाँ उस युवती के किरदार में है जिसके पास साधारण घर की युवतियों को बहलाना फुसला कर उस युवकों की आगोश में पहुंचाना है और उनकी जिम्मेदारी है जो उनका सिल भंग करके उन्हें अपने कहे रास्ते पर चलने को मजबूर कर देते हैं। अपने इस किरदार में सोनिया कभी बिंदु तो कभी अरुणा ईरानी की याद दिलाती है। फिल्म द केरल स्टोरी पर तमाम आरोप लगे हैं, आगे भी लगने ही रहेंगे, लेकिन उसके निर्देशक सुदीप्त सेन ने तथ्य पर कायम रखते हुए एक संतुलित फिल्म बनाने की अच्छी कोशिश की है। फिल्म के कुछ दृश्य काफी भयावह है और कमजोर दिल के लोगों को असहज भी कर सकते हैं, लेकिन ये कथानक की गंभीरता जानने के लिए जरूरी भी नजर आते हैं। विश्व सिनेमा से सुदीप्त की नजर दी किया यहाँ उन्हें अपने विषय पर पकड़ बनाए रखने में पूरी मदद करती है। सुदीप्त की सिनेमा के बारे में जिन्हें पता है वो उनकी शैली की कौशल को कायल ही रहे हैं। वो सिनेमा में मेलोड्रामा पनपने नहीं देते, उनके दृश्य की नाटकीयता भी दहे तक हदे तय है और ये हदे भी फिल्म द केरल स्टोरी को एक अच्छी फिल्म का तगमा दिलाने में मदद करती है। फिल्म के संगीत जैसी है सरलता उसकी तकनीकी टीम में भी है। केरल से लेकर सीरिया और अफगानिस्तान जैसे इलाकों को पर्दे पर दिखाने के लिए इनकी वास्तविकता के बेहद करीब के स्थलों को फिल्माने के लिए फिल्म के छाया निर्देशक प्रशांतनु महापात्र ने अपने कैमरे को बेहद ही सत कर रखा है। कॉस्ट्यूम डिजाइनर राधिका मेहरा की मेहनत फिल्म की किरदारों की वेशभूषा में अच्छे से झलकती है और अंगना सेन वो चेतन आश्चर्य ने फिल्म का वातावरण संजोने में अपनी प्रोडक्शन डिजाइन टीम के साथ मिलकर काफी मेहनत की है। फिल्म के खटकने वाले जो पहलू है वो है उसका बैकग्राउंड म्यूजिक और उसके मारधाड़ वाले दृश्यों का संयोजन। फिल्म के कलाकारों का मेकअप भी थोड़ा बेहतर और दृश्य के प्रकाश संयोजन के हिसाब से होता तो असर गहरा होता। फिल्म द केरल स्टोरी इन कुछ कमियों के बावजूद अपना समग्र असर छोड़ने में सफल रहती है और अगर इसे निष्पक्ष भाव से देखा जाए तो ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म बिल्कुल नहीं नजर आती। आदा शर्मा की रोंगटे खड़े कर देने वाली अदाकारी, केरल की युवतियों की दर्दनाक दास्ता। इस बात में कोई शक नहीं है कि सिनेमा जनमानस की अवधारणाओं को बदलने के लिए बहुत बड़ी ताकत रखता है। अमेरिका और रूस ने अपनी अपनी सियासी विचारधारा को दुनिया भर में पोषित करने के लिए सिर्फ अपने अपने देश की सिनेमा का ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ उन्हें उभरती अर्थव्यवस्थाएं दिखी वहां तक की सिनेमा को अपने हिसाब से घुमाया है। अब बारी भारत की है।
भारत की अपनी विचारधारा क्या है ये बात दुनिया को समझाने की जरूरत है। जरूरत उस पूरी नई पीढ़ी को भी समझने की है जिसके लिए प्यार पहली नजर का बुखार होता है, लेकिन कई बार ये बुखार अपने पीछे एक ऐसा बीमार छोड़ जाता है जो ना सिर्फ अपने परिवार को बल्कि आसपास की पूरी समाज को संक्रामित कर देता है। फिल्म द केरल स्टोरी पर एजेंडा फिल्म होने के आरोप लगे हैं। आरोप लगा कि 30,000 लड़कियों के धर्म परिवर्तन का आंकड़ा झूठा है। ये फिल्म कहानी 4 युवतियों की है, 3 पाले की एक तरफ और चौथी दूसरी तरफ। लेकिन अगर ये सच्ची कहानी किसी एक भारतीय युवती की भी है तो इसे दुनिया को दिखाया जाना चाहिए। अरसे तक मुझे लव जिहाद शब्द से प्रयोग पर गंभीर आपत्ति रही थी, लेकिन फिल्म द केरल स्टोरी सिरे से समझाती है कि इसे कैसे अंजाम दिया जाता है। फिल्म खत्म होने के बाद उन परिवारों को लोगों की असल इंटरव्यू दिखाया गया है जिनके साथ ये सब वाकई हो चुका है। एक हंसते खेलते परिवार की युवती शालिनी, जिसे अपनी संस्कृति, अपने परिवार, अपनी रहन सहन और अपने आस पड़ोस से प्यार है। नर्स बनने के लिए वो नर्सिंग कॉलेज आती है। हॉस्टल में उसकी जिन युवतियों से दोस्ती है उनमें से एक उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाने का ताना वाना बुनती है जहां से वापसी की राह नहीं है। केरल से श्रीलंका, श्रीलंका से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से सीरिया का उसका सफर वहां आकर थमता है जहां उसकी जैसी तमाम लड़कियां आतंकवादी संगठन ISISI के कैंप में सिर्फ इसलिए जमा की गई है कि वो आतंकवादियों की देह की भूख मिटा सके। कहानियां फिल्म में और भी है, लेकिन सिर्फ ये एक कहानी झंझोर देने के लिए काफी है। फिल्म द केरल स्टोरी शुरू होती है और बताती है कि जिन युवतियों की कहानी पर ये फिल्म बनी है उनके घर वालों ने कैमरे पर अपनी आप बीती सुनाई है। शुरू शुरू में तो लगता है कि ये एक ऐसी फिल्म है जिसे किसी खास राजनीतिक उद्देश्य से ही बनाया गया है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है ये दर्शकों को अपने साथ जोड़ने लगती है। दिखावे की हमले, दिखावे की सुनाहानुभूति और दिखावे की प्रेम से युवतियों को बगर लाया जाता है। इस्लाम के मायने तोड़ मोड़ कर समझाए जाते हैं, जहां तक कि हिंदू देवी देवताओं और ईसा महीम के बारे में तमाम ऐसे बातें कही जाती है जिन्हें देखकर लगता है कि अगर यही बात किसी और धर्म के बारे में कही गई होती तो क्या उस धर्म के अनुयायी भी इतने ही सहिष्णु होकर ये फिल्म देखने जाते। जाकिर नायक जैसे धर्म प्रचारकों के हत्कांडा का पर्दाफाश करती फिल्म द केरल स्टोरी खत्म होते होते एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित फिल्म बन जाती है जिसे कहना हर कालखंड में जरूरी लगता है। आदा शर्मा फिल्म द केरल स्टोरी में मुख्य भूमिका निभा रही है। पहले शालिनी और फिर फतिमा के किरदार में उन्होंने फिल्म को एक तरह से अपनी दोनों कंधों पर उठाए रखा है। केरल से ताल्लुक रखने वाली अपनी माँ से मलयालम उन्हें घुट्टी में मिली ही थी। वो पर्दे पर मलयालम बोलती भी कमाल की है। फिल्म दिल से के बाद ये दूसरी हिंदी फिल्म है जिसमें मलयालम में गाने हैं और भाषा समझ में ना आने के बावजूद सिर्फ आदा शर्मा के अभिनय और बीरेश श्रीवलासा के मधुर संगीत से ये गाना बहुत ही सुरुचिपूर्ण प्रभाव पैदा करने में सफल रहता है। फिल्म के रचनात्मक निर्देशक और निर्माता बिपुल अमृतलाल साहा की इस बात के लिए दाद देनी चाहिए कि उन्होंने एक कठिन विषय पर फिल्म बनाते समय उसके कलाकारों के चयन में कोई समझौता नहीं किया गया है और उनकी पसंदीदा अदाकारा आदा शर्मा को इस फिल्म में अभिनय के लिए आने वाले समय में पुरस्कार मिलनी ही मिलनी चाहिए। फिल्म द केरल स्टोरी में शालिनी को सहेली की किरदार में योगिता बिहानी और सिद्धि इदनानी ने भी बहुत ही असरदार अभिनय किया है। एक कम्युनिस्ट नेता की बेटी के रोल में सिद्धि अपने किरदार का पूरा ग्राफ जीती है और प्रेम में डूबी लड़की से लेकर अपनी अस्तित्व गवाकर होश में आई लड़की की घुटने ना टेकने वाले ऐलान तक की दृश्य में उनका अभिनय नोटिस करने लायक है। योगिता बिहानी के किरदार का काम फिल्म में होशियार लड़की का है, लेकिन धोखे से जब उसके साथ भी सामूहिक बलात्कार होता है तो
वो इस पूरे पांड्य यंत्र का पर्दाफाश करने का बीड़ा उठाती है और इस किरदार को पर्दे पर उसके सारे अभिव्ययों के साथ योगिता ने बहुत ही खूबसूरती से पेश भी किया है। सोनिया बलानी यह उस युवती के किरदार में है जिसके पास साधारण घर की युवतियों को बहलाना फुसला कर उस युवकों की आगोश में पहुंचाना है और उनकी जिम्मेदारी है जो उनका सिल भंग करके उन्हें अपने कहे रास्ते पर चलने को मजबूर कर देते हैं। अपने इस किरदार में सोनिया कभी बिंदु तो कभी अरुणा ईरानी की याद दिलाती है। फिल्म द केरल स्टोरी पर तमाम आरोप लगे हैं, आगे भी लगने ही रहेंगे, लेकिन उसके निर्देशक सुदीप्त सेन ने तथ्य पर कायम रखते हुए एक संतुलित फिल्म बनाने की अच्छी कोशिश की है। फिल्म के कुछ दृश्य काफी भयावह है और कमजोर दिल के लोगों को असहज भी कर सकते हैं, लेकिन ये कथानक की गंभीरता जानने के लिए जरूरी भी नजर आते हैं। विश्व सिनेमा से सुदीप्त की नजर दी किया यह उन्हें अपनी विषय पर पकड़ बनाए रखने में पूरी मदद करती है। सुदीप्त की सिनेमा के बारे में जिन्हें पता है वो उनकी शैली की कौशल को कायल ही रहे हैं। वो सिनेमा में मेलोड्रामा पनपने नहीं देते, उनके दृश्य की नाटकीयता भी दहे तक हदे तय है और ये हदे भी फिल्म द केरल स्टोरी को एक अच्छी फिल्म का तगमा दिलाने में मदद करती है। फिल्म के संगीत जैसी है सरलता उसकी तकनीकी टीम में भी है। केरल से लेकर सीरिया और अफगानिस्तान जैसे इलाकों को पर्दे पर दिखाने के लिए इनकी वास्तविकता के बेहद करीब के स्थलों को फिल्माने के लिए फिल्म के छाया निर्देशक प्रशांतनु महापात्र ने अपने कैमरे को बेहद ही सत कर रखा है। कॉस्ट्यूम डिजाइनर राधिका मेहरा की मेहनत फिल्म की किरदारों की वेशभूषा में अच्छे से झलकती है और अंगना सेन वो चेतन आश्चर्य ने फिल्म का वातावरण संजोने में अपनी प्रोडक्शन डिजाइन टीम के साथ मिलकर काफी मेहनत की है। फिल्म के खटकने वाले जो पहलू है वो है उसका बैकग्राउंड म्यूजिक और उसके मारधार वाले दृश्यों का संयोजन। फिल्म के कलाकारों का मेकअप भी थोड़ा बेहतर और दृश्य के प्रकाश संयोजन के हिसाब से होता तो असर गहरा होता। फिल्म द केरल स्टोरी इन कुछ कमियों के बावजूद अपना समग्र असर छोड़ने में सफल रहती है और अगर इसे निष्पक्ष भाव से देखा जाए तो ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म बिल्कुल नहीं नजर आती। आदा शर्मा की रोंगटे खड़े कर देने वाली अदाकारी, केरल की युवतियों की दर्दनाक दास्ता। इस बात में कोई शक नहीं है कि सिनेमा जनमानस की अवधारणाओं को बदलने के लिए बहुत बड़ी ताकत रखता है। अमेरिका और रूस ने अपनी अपनी सियासी विचारधारा को दुनिया भर में पोषित करने के लिए सिर्फ अपने अपने देश की सिनेमा का ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जहां जहां उन्हें उभरती अर्थव्यवस्थाएं दिखी वहां तक की सिनेमा को अपने हिसाब से घुमाया है। अब बारी भारत की है। भारत की अपनी विचारधारा क्या है ये बात दुनिया को समझाने की जरूरत है। जरूरत उस पूरी नई पीढ़ी को भी समझने की है जिसके लिए प्यार पहली नजर का बुखार होता है, लेकिन कई बार ये बुखार अपने पीछे एक ऐसा बीमार छोड़ जाता है जो ना सिर्फ अपने परिवार को बल्कि आसपास की पूरी समाज को संक्रामित कर देता है। फिल्म द केरल स्टोरी पर एजेंडा फिल्म होने के आरोप लगे हैं। आरोप लगा कि 30,000 लड़कियों के धर्म परिवर्तन का आंकड़ा झूठा है। ये फिल्म कहानी चार युवतियों की है, तीन पाले की एक तरफ और चौथी दूसरी तरफ, लेकिन अगर ये सच्ची कहानी किसी एक भारतीय युवती की भी है तो इसे दुनिया को दिखाया जाना चाहिए। अरसे तक मुझे लव जिहाद शब्द से प्रयोग पर गंभीर आपत्ति रही थी, लेकिन फिल्म द केरल स्टोरी सिरे से समझाती है कि इसे कैसे अंजाम दिया जाता है। फिल्म खत्म होने के बाद उन परिवारों को लोगों की असल इंटरव्यू दिखाया गया है जिनके साथ ये सब वाकई हो चुका है। एक हंसते खेलते परिवार की युवती शालिनी जिसे अपनी संस्कृति अपने परिवार अपने रहन सहन और अपने आस पड़ोस से प्यार है। नर्स बनने के लिए वो नर्सिंग कॉलेज आती है।
हॉस्टल में उसकी जिन युवतियों से दोस्ती है उनमें से एक उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाने का ताना बाना बुनती है जहां से वापसी की राह नहीं है। केरल से श्रीलंका, श्रीलंका से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से सीरिया का उसका सफर वहां आकर थमता है जहां उसकी जैसी तमाम लड़कियां आतंकवादी संगठन ISISI के कैंप में सिर्फ इसलिए जमा की गई है कि वो आतंकवादियों की देह की भूख मिटा सके। कहानियां फिल्म में और भी है लेकिन सिर्फ ये एक कहानी झंझोर देने के लिए काफी है। फिल्म द केरल स्टोरी शुरू होती है और बताती है कि जिन युवतियों की कहानी पर ये फिल्म बनी है उनके घर वालों ने कैमरे पर अपनी आप बीती सुनाई है। शुरू शुरू में तो लगता है कि ये एक ऐसी फिल्म है जिसे किसी खास राजनीतिक उद्देश्य से ही बनाया गया है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है ये दर्शकों को अपने साथ जोड़ने लगती है। दिखावे की हमले, दिखावे की सुनाहानुभूति और दिखावे की प्रेम से युवतियों को बगर लाया जाता है। इस्लाम के मायने तोड़ मोड़ कर समझाए जाते हैं, जहां तक कि हिंदू देवी देवताओं और ईसा मसीह के बारे में तमाम ऐसे बातें कही जाती है जिन्हें देखकर लगता है कि अगर यही बात किसी और धर्म के बारे में कही गई होती तो क्या उस धर्म के अनुयायी भी इतने ही सहिष्णु होकर ये फिल्म देखने जाते। जाकिर नायक जैसे धर्म प्रचारकों के हथकांडा का पर्दाफाश करती फिल्म द केरल स्टोरी खत्म होते होते एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित फिल्म बन जाती है जिसे कहना हर कालखंड में जरूरी लगता है। आदा शर्मा फिल्म द केरल स्टोरी में मुख्य भूमिका निभा रही है। पहले शालिनी और फिर फतिमा के किरदार में उन्होंने फिल्म को एक तरह से अपनी दोनों कंधों पर उठाए रखा है। केरल से ताल्लुक रखने वाली अपनी माँ से मलयालम उन्हें घुट्टी में मिली ही थी। वो पर्दे पर मलयालम बोलती भी कमाल की है। फिल्म दिल से के बाद ये दूसरी हिंदी फिल्म है जिसमें मलयालम में गाने हैं और भाषा समझ में ना आने के बावजूद सिर्फ आदा शर्मा के अभिनय और बीरेश श्रीवलासा के मधुर संगीत से ये गाना बहुत ही सुरुचिपूर्ण प्रभाव पैदा करने में सफल रहता है। फिल्म के रचनात्मक निर्देशक और निर्माता विपुल अमृतलाल साहा की इस बात के लिए दाद देनी चाहिए कि उन्होंने एक कठिन विषय पर फिल्म बनाते समय उसके कलाकारों के चयन में कोई समझौता नहीं किया गया है और उनकी पसंदीदा अदाकारा आदा शर्मा को इस फिल्म में अभिनय के लिए आने वाले समय में पुरस्कार मिलनी ही मिलनी चाहिए। फिल्म द केरल स्टोरी में शालिनी को सहेलिए की किरदार में योगिता बिहानी और सिद्धि इदनानी ने भी बहुत ही असरदार अभिनय किया है। एक कम्युनिस्ट नेता की बेटी के रोल में सिद्धि अपने किरदार का पूरा ग्राफ जीती है और प्रेम में डूबी लड़की से लेकर अपनी अस्तित्व गवाकर होश में आई लड़की की घुटने ना टेकने वाले ऐलान तक की दृश्य में उनका अभिनय नोटिस करने लायक है। योगिता बिहानी के किरदार का काम फिल्म में होशियार लड़की का है, लेकिन धोखे से जब उसके साथ भी सामूहिक बलात्कार होता है तो वो इस पूरे पांडे यंत्र का पर्दाफाश करने का बीड़ा उठाती है और इस किरदार को पर्दे पर उसके सारे अभिव्ययों के साथ योगिता ने बहुत ही खूबसूरती से पेश भी किया है। सोनिया बलानी यह उस युवती के किरदार में है जिसके पास साधारण घर की युवतियों को बहलाना फुसलाकर उस युवकों की आगोश में पहुंचाना है और उनकी जिम्मेदारी है जो उनका सिल भंग करके उन्हें अपने कहे रास्ते पर चलने को मजबूर कर देते हैं। अपने इस किरदार में सोनिया कभी बिंदु तो कभी अरुणा ईरानी की याद दिलाती है। फिल्म द केरल स्टोरी पर तमाम आरोप लगे हैं, आगे भी लगने ही रहेंगे, लेकिन उसके निर्देशक सुदीप्त सेन ने तथ्य पर कायम रखते हुए एक संतुलित फिल्म बनाने की अच्छी कोशिश की है। फिल्म के कुछ दृश्य काफी भयावह है और कमजोर दिल के लोगों को असहज भी कर सकते हैं, लेकिन ये कथानक की गंभीरता जानने के लिए जरूरी भी नजर आते हैं। विश्व सिनेमा से सुदीप्त की नजर दी किया यह उन्हें अपने विषय पर पकड़ बनाए रखने में पूरी मदद करती है। सुदीप्त की सिनेमा के बारे में जिन्हें पता है वो उनकी शैली की कौशल को कायल ही रहे हैं।
वो सिनेमा में मेलोड्रामा पनपने नहीं देते। उनके दृश्य की नाटकीयता भी दहे तक हदे तय है और ये हदे भी फिल्म द केरल स्टोरी को एक अच्छी फिल्म का तगमा दिलाने में मदद करती है। फिल्म के संगीत जैसी है सरलता उसकी तकनीकी टीम में भी है। केरल से लेकर सीरिया और अफगानिस्तान जैसे इलाकों को पर्दे पर दिखाने के लिए इनकी वास्तविकता के बेहद करीब के स्थलों को फिल्माने के लिए फिल्म के छाया निर्देशक प्रशांतनु महापात्र ने अपने कैमरे को बेहद ही सत कर रखा है। कॉस्ट्यूम डिजाइनर राधिका मेहरा की मेहनत फिल्म के किरदारों की वेशभूषा में अच्छे से झलकती है और अंगना सेन वो चेतन आश्चर्य ने फिल्म का वातावरण संजोने में अपनी प्रोडक्शन डिजाइन टीम के साथ मिलकर काफी मेहनत की है। फिल्म के खटकने वाले जो पहलू है वो है उसका बैकग्राउंड म्यूजिक और उसके मारधार वाले दृश्यों का संयोजन। फिल्म के कलाकारों का मेकअप भी थोड़ा बेहतर और दृश्य के प्रकाश संयोजन के हिसाब से होता तो असर गहरा होता। फिल्म द केरल स्टोरी इन कुछ कमियों के बावजूद अपना समग्र असर छोड़ने में सफल रहती है और अगर इसे निष्पक्ष भाव से देखा जाए तो ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म बिल्कुल नहीं नजर आती। अदा शर्मा की रोंगटे खड़े कर देने वाली अदाकारी, केरल की युवतियों की दर्दनाक दास्ता। इस बात में कोई शक नहीं है कि सिनेमा जनमानस की अवधारणाओं को बदलने के लिए बहुत बड़ी ताकत रखता है। अमेरिका और रूस ने अपनी अपनी सियासी विचारधारा को दुनिया भर में पोषित करने के लिए सिर्फ अपने अपने देश के सिनेमा का ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ उन्हें उभरती अर्थव्यवस्थाएं दिखी वहाँ तक की सिनेमा को अपने हिसाब से घुमाया है। अब बारी भारत की है। भारत की अपनी विचारधारा क्या है ये बात दुनिया को समझाने की जरूरत है। जरूरत उस पूरी नई पीढ़ी को भी समझने की है जिसके लिए प्यार पहली नजर का बुखार होता है, लेकिन कई बार ये बुखार अपने पीछे एक ऐसा बीमार छोड़ जाता है जो ना सिर्फ अपने परिवार को बल्कि आसपास की पूरी समाज को संक्रामित कर देता है। फिल्म द केरल स्टोरी पर एजेंडा फिल्म होने के आरोप लगे हैं। आरोप लगा कि 30,000 लड़कियों के धर्म परिवर्तन का आंकड़ा झूठा है। ये फिल्म कहानी चार युवतियों की है, तीन पाले की एक तरफ और चौथी दूसरी तरफ। लेकिन अगर ये सच्ची कहानी किसी एक भारतीय युवती की भी है तो इसे दुनिया को दिखाया जाना चाहिए। अरसे तक मुझे लव जिहाद शब्द से प्रयोग पर गंभीर आपत्ति रही थी, लेकिन फिल्म द केरल स्टोरी सिरे से समझाती है कि इसे कैसे अंजाम दिया जाता है। फिल्म खत्म होने के बाद उन परिवारों को लोगों की असल इंटरव्यू दिखाया गया है जिनके साथ ये सब वाकई हो चुका है। एक हंसते खेलते परिवार की युवती शालिनी, जिसे अपनी संस्कृति, अपने परिवार, अपने रहन सहन और अपने आस पड़ोस से प्यार है। नर्स बनने के लिए वो नर्सिंग कॉलेज आती है। हॉस्टल में उसकी जिन युवतियों से दोस्ती है उनमें से एक उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाने का ताना वाना बुनती है जहां से वापसी की राह नहीं है। केरल से श्रीलंका, श्रीलंका से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से सीरिया का उसका सफर वहां आकर थमता है जहां उसकी जैसी तमाम लड़कियां आतंकवादी संगठन ISISI के कैंप में सिर्फ इसलिए जमा की गई है कि वो आतंकवादियों की देह की भूख मिटा सके। कहानियां फिल्म में और भी है लेकिन सिर्फ ये एक कहानी झंझोर देने के लिए काफी है। फिल्म द केरल स्टोरी शुरू होती है और बताती है कि जिन युवतियों की कहानी पर ये फिल्म बनी है उनके घर वालों ने कैमरे पर अपनी आप बीती सुनाई है। शुरू शुरू में तो लगता है कि ये एक ऐसी फिल्म है जिसे किसी खास राजनीतिक उद्देश्य से ही बनाया गया है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है ये दर्शकों को अपने साथ जोड़ने लगती है। दिखावे की हमले, दिखावे की सुनाहानुभूति और दिखावे की प्रेम से युवतियों को बगर लाया जाता है। इस्लाम के मायने तोड़ मोड़ कर समझाए जाते हैं, जहाँ तक कि हिंदू देवी देवताओं और ईसा मसीह
के बारे में तमाम ऐसे बातें कही जाती है जिन्हें देखकर लगता है कि अगर यही बात किसी और धर्म के बारे में कही गई होती तो क्या उस धर्म के अनुयायी भी इतने ही सहिष्णु होकर ये फिल्म देखने जाते। जाकिर नायक जैसे धर्म प्रचारकों के हथकांडा का पर्दाफाश करती फिल्म द केरल स्टोरी खत्म होते होते एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित फिल्म बन जाती है जिसे कहना हर कालखंड में जरूरी लगता है। आदा शर्मा फिल्म द केरल स्टोरी में मुख्य भूमिका निभा रही है। पहले शालिनी और फिर फतिमा के किरदार में उन्होंने फिल्म को एक तरह से अपनी दोनों कंधों पर उठाए रखा है। केरल से ताल्लुक रखने वाली अपनी माँ से मलयालम उन्हें घुट्टी में मिली ही थी। वो पर्दे पर मलयालम बोलती भी कमाल की है। फिल्म दिल से के बाद ये दूसरी हिंदी फिल्म है जिसमें मलयालम में गाने हैं और भाषा समझ में ना आने के बावजूद सिर्फ आदा शर्मा के अभिनय और बीरेश श्रीवलासा के मधुर संगीत से ये गाना बहुत ही सुरुचिपूर्ण प्रभाव पैदा करने में सफल रहता है। फिल्म के रचनात्मक निर्देशक और निर्माता बिपुल अमृतलाल साहा की इस बात के लिए दाद देनी चाहिए कि उन्होंने एक कठिन विषय पर फिल्म बनाते समय उसके कलाकारों के चयन में कोई समझौता नहीं किया गया है और उनकी पसंदीदा अदाकारा आदा शर्मा को इस फिल्म में अभिनय के लिए आने वाले समय में पुरस्कार मिलनी ही मिलनी चाहिए। फिल्म द केरल स्टोरी में शालिनी को सहेलिए के किरदार में योगिता बिहानी और सिद्धि इदनानी ने भी बहुत ही असरदार अभिनय किया है। एक कम्युनिस्ट नेता की बेटी के रोल में सिद्धि अपने किरदार का पूरा ग्राफ जीती है और प्रेम में डूबी लड़की से लेकर अपनी अस्तित्व गवाकर होश में आई लड़की की घुटने ना टेकने वाले ऐलान तक की दृश्य में उनका अभिनय नोटिस करने लायक है। योगिता बिहानी के किरदार का काम फिल्म में होशियार लड़की का है लेकिन धोखे से जब उसके साथ भी सामूहिक बलात्कार होता है तो वो इस पूरे पांडयंत्र का पर्दाफाश करने का बीड़ा उठाती है और इस किरदार को पर्दे पर उसके सारे अभिव्ययों के साथ योगिता ने बहुत ही खूबसूरती से पेश भी किया है। सोनिया बलानी यहाँ उस युवती के किरदार में है जिसके पास साधारण घर की युवतियों को बहलाना फुसला कर उस युवकों की आगोश में पहुंचाना है और उनकी जिम्मेदारी है जो उनका सिल भंग करके उन्हें अपने कहे रास्ते पर चलने को मजबूर कर देते हैं। अपने इस किरदार में सोनिया कभी बिंदु तो कभी अरुणा ईरानी की याद दिलाती है। फिल्म द केरल स्टोरी पर तमाम आरोप लगे हैं, आगे भी लगने ही रहेंगे लेकिन उसके निर्देशक सुदीप्त सेन ने तथ्य पर कायम रखते हुए एक संतुलित फिल्म बनाने की अच्छी कोशिश की है। फिल्म के कुछ दृश्य काफी भयावह है और कमजोर दिल के लोगों को असहज भी कर सकते हैं लेकिन ये कथानक की गंभीरता जानने के लिए जरूरी भी नजर आते हैं। विश्व सिनेमा से सुदीप्त की नजर दीकिया यहाँ उन्हें अपनी विषय पर पकड़ बनाए रखने में पूरी मदद करती है। सुदीप्त की सिनेमा के बारे में जिन्हें पता है वो उनकी शैली की कौशल को कायल ही रहे हैं। वो सिनेमा में मेलोड्रामा पनपने नहीं देते, उनके दृश्य की नाटकीयता भी दहे तक हदे तय है और ये हदे भी फिल्म द केरल स्टोरी को एक अच्छी फिल्म का तगमा दिलाने में मदद करती है। फिल्म के संगीत जैसी है सरलता उसकी तकनीकी टीम में भी है। केरल से लेकर सीरिया और अफगानिस्तान जैसे इलाकों को पर्दे पर दिखाने के लिए इनकी वास्तविकता के बेहद करीब के स्थलों को फिल्माने के लिए फिल्म के छाया निर्देशक प्रशांतनु महापात्र ने अपने कैमरे को बेहद ही सत कर रखा है। कॉस्ट्यूम डिजाइनर राधिका मेहरा की मेहनत फिल्म के किरदारों की वेशभूषा में अच्छे से झलकती है और अंगना सेन वो चेतन आश्चर्य ने फिल्म का वातावरण संजोने में अपनी प्रोडक्शन डिजाइन टीम के साथ मिलकर काफी मेहनत की है। फिल्म के खटकने वाले जो पहलू है वो है उसका बैकग्राउंड म्यूजिक और उसके मारधाड़ वाले दृश्यों का संयोजन। फिल्म के कलाकारों का मेकअप भी थोड़ा बेहतर और दृश्य के प्रकाश संयोजन के हिसाब से होता तो असर गहरा होता। फिल्म द केरल स्टोरी इन कुछ कमियों के बावजूद अपना समग्र असर छोड़ने में सफल रहती है और अगर इसे
निष्पक्ष भाव से देखा जाए तो ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म बिल्कुल नहीं नजर आती। अदा शर्मा की रोंगटे खड़े कर देने वाली अदाकारी, केरल की युवतियों की दर्दनाक दास्ता। इस बात में कोई शक नहीं है कि सिनेमा जनमानस की अवधारणाओं को बदलने के लिए बहुत बड़ी ताकत रखता है। अमेरिका और रूस ने अपनी अपनी सियासी विचारधारा को दुनिया भर में पोषित करने के लिए सिर्फ अपने अपने देश के सिनेमा का ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में जहां जहां उन्हें उभरती अर्थव्यवस्थाएं दिखी वहां तक की सिनेमा को अपने हिसाब से घुमाया है। अब बारी भारत की है। भारत की अपनी विचारधारा क्या है, ये बात दुनिया को समझाने की जरूरत है। जरूरत उस पूरी नई पीढ़ी को भी समझने की है जिसके लिए प्यार पहली नजर का बुखार होता है, लेकिन कई बार ये बुखार अपने पीछे एक ऐसा बीमार छोड़ जाता है जो ना सिर्फ अपने परिवार को बल्कि आसपास की पूरी समाज को संक्रामित कर देता है। फिल्म द केरल स्टोरी पर एजेंडा फिल्म होने के आरोप लगे हैं। आरोप लगा कि 30,000 लड़कियों के धर्म परिवर्तन का आंकड़ा झूठा है। ये फिल्म कहानी चार युवतियों की है, तीन पाले की एक तरफ और चौथी दूसरी तरफ। लेकिन अगर ये सच्ची कहानी किसी एक भारतीय युवती की भी है तो इसे दुनिया को दिखाया जाना चाहिए। अरसे तक मुझे लव जिहाद शब्द से प्रयोग पर गंभीर आपत्ति रही थी, लेकिन फिल्म द केरल स्टोरी सिरे से समझाती है कि इसे कैसे अंजाम दिया जाता है। फिल्म खत्म होने के बाद उन परिवारों को लोगों की असल इंटरव्यू दिखाया गया है जिनके साथ ये सब वाकई हो चुका है। एक हंसते खेलते परिवार की युवती शालिनी, जिसे अपनी संस्कृति, अपने परिवार, अपने रहन सहन और अपने आस पड़ोस से प्यार है। नर्स बनने के लिए वो नर्सिंग कॉलेज आती है। हॉस्टल में उसकी जिन युवतियों से दोस्ती है उनमें से एक उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाने का ताना बाना बुनती है जहां से वापसी की राह नहीं है। केरल से श्रीलंका, श्रीलंका से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से सीरिया का उसका सफर वहां आकर थमता है जहां उसकी जैसी तमाम लड़कियां आतंकवादी संगठन ISISI के कैंप में सिर्फ इसलिए जमा की गई है कि वो आतंकवादियों की देह की भूख मिटा सके। कहानियां फिल्म में और भी है, लेकिन सिर्फ ये एक कहानी झंझोर देने के लिए काफी है। फिल्म द केरल स्टोरी शुरू होती है और बताती है कि जिन युवतियों की कहानी पर ये फिल्म बनी है उनके घर वालों ने कैमरे पर अपनी आप बीती सुनाई है। शुरू में तो लगता है कि ये एक ऐसी फिल्म है जिसे किसी खास राजनीतिक उद्देश्य से ही बनाया गया है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है ये दर्शकों को अपने साथ जोड़ने लगती है। दिखावे की हमले, दिखावे की सुनाहानुभूति और दिखावे की प्रेम से युवतियों को बगर लाया जाता है। इस्लाम के मायने तोड़ मोड़ कर समझाए जाते हैं, जहां तक कि हिंदू देवी देवताओं और ईसा मसीह के बारे में तमाम ऐसे बातें कही जाती है जिन्हें देखकर लगता है कि अगर यही बात किसी और धर्म के बारे में कही गई होती तो क्या उस धर्म के अनुयायी भी इतने ही सहिष्णु होकर ये फिल्म देखने जाते। जाकिर नायक जैसे धर्म प्रचारकों के हथकांडा का पर्दाफाश करती फिल्म द केरल स्टोरी खत्म होते होते एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित फिल्म बन जाती है जिसे कहना हर कालखंड में जरूरी लगता है। अदा शर्मा फिल्म द केरल स्टोरी में मुख्य भूमिका निभा रही है। पहले शालिनी और फिर फतिमा के किरदार में उन्होंने फिल्म को एक तरह से अपनी दोनों कंधों पर उठाए रखा है। केरल से ताल्लुक रखने वाली अपनी माँ से मलयालम उन्हें घुट्टी में मिली ही थी। वो पर्दे पर मलयालम बोलती भी कमाल की है। फिल्म दिल से के बाद ये दूसरी हिंदी फिल्म है जिसमें मलयालम में गाने हैं और भाषा समझ में ना आने के बावजूद सिर्फ आदा शर्मा के अभिनय और बीरेश श्रीवलासा के मधुर संगीत से ये गाना बहुत ही सुरुचिपूर्ण प्रभाव पैदा करने में सफल रहता है। फिल्म के रचनात्मक निर्देशक और निर्माता विपुल अमृतलाल साहा की इस बात के लिए दाद देनी चाहिए कि उन्होंने एक कठिन विषय पर फिल्म बनाते समय उसके कलाकारों के चयन में कोई समझौता नहीं किया गया है।
और उनकी पसंदीदा अदाकारा आदा शर्मा को इस फिल्म में अभिनय के लिए आने वाले समय में पुरस्कार मिलनी ही मिलनी चाहिए। फिल्म द केरल स्टोरी में शालिनी को सहेलिए की किरदार में योगिता बिहानी और सिद्धि इदनानी ने भी बहुत ही असरदार अभिनय किया है। एक कम्युनिस्ट नेता की बेटी के रोल में सिद्धि अपने किरदार का पूरा ग्राफ जीती है और प्रेम में डूबी लड़की से लेकर अपनी अस्तित्व गवाकर होश में आई लड़की की घुटने ना टेकने वाले अलार्म तक की दृश्य में उनका अभिनय नोटिस करने लायक है। योगिता बिहानी के किरदार का काम फिल्म में होशियार लड़की का है, लेकिन धोखे से जब उसके साथ भी सामूहिक बलात्कार होता है तो वो इस पूरे पांडे यंत्र का पर्दाफाश करने का बीड़ा उठाती है और इस किरदार को पर्दे पर उसके सारे अभिव्ययों के साथ योगिता ने बहुत ही खूबसूरती से पेश भी किया है। सोनिया बलानी यह उस युवती के किरदार में है जिसके पास साधारण घर की युवतियों को बहलाना फुसला कर उस युवकों की आगोश में पहुंचाना है और उनकी जिम्मेदारी है जो उनका सिल भंग करके उन्हें अपने कहे रास्ते पर चलने को मजबूर कर देते हैं। अपने इस किरदार में सोनिया कभी बिंदु तो कभी अरुणा ईरानी की याद दिलाती है। फिल्म द केरल स्टोरी पर तमाम आरोप लगे हैं, आगे भी लगने ही रहेंगे, लेकिन उसके निर्देशक सुदीप्त सेन ने तथ्य पर कायम रखते हुए एक संतुलित फिल्म बनाने की अच्छी कोशिश की है। फिल्म के कुछ दृश्य काफी भयावह है और कमजोर दिल के लोगों को असहज भी कर सकते हैं, लेकिन ये कथानक की गंभीरता जानने के लिए जरूरी भी नजर आते हैं। विश्व सिनेमा से सुदीप्त की नजर दी किया यह उन्हें अपनी विषय पर पकड़ बनाए रखने में पूरी मदद करती है। सुदीप्त की सिनेमा के बारे में जिन्हें पता है वो उनकी शैली की कौशल को कायल ही रहे हैं। वो सिनेमा में मेलोड्रामा पनपने नहीं देते, उनके दृश्य की नाटकीयता भी दहे तक हदे तय है और ये हदे भी फिल्म द केरल स्टोरी को एक अच्छी फिल्म का तगमा दिलाने में मदद करती है। फिल्म के संगीत जैसी है सरलता उसकी तकनीकी टीम में भी है। केरल से लेकर सीरिया और अफगानिस्तान जैसे इलाकों को पर्दे पर दिखाने के लिए इनकी वास्तविकता के बेहद करीब के स्थलों को फिल्माने के लिए फिल्म के छाया निर्देशक प्रशांतनु महापात्र ने अपने कैमरे को बेहद ही सत कर रखा है। कॉस्ट्यूम डिजाइनर राधिका मेहरा की मेहनत फिल्म के किरदारों की वेशभूषा में अच्छे से झलकती है और अंगना सेन वो चेतन आश्चर्य ने फिल्म का वातावरण संजोने में अपनी प्रोडक्शन डिजाइन टीम के साथ मिलकर काफी मेहनत की है। फिल्म के खटकने वाले जो पहलू है वो है उसका बैकग्राउंड म्यूजिक और उसके मारधार वाले दृश्यों का संयोजन। फिल्म के कलाकारों का मेकअप भी थोड़ा बेहतर और दृश्य के प्रकाश संयोजन के हिसाब से होता तो असर गहरा होता। फिल्म द केरल स्टोरी इन कुछ कमियों के बावजूद अपना समग्र असर छोड़ने में सफल रहती है और अगर इसे निष्पक्ष भाव से देखा जाए तो ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म बिल्कुल नहीं नजर आती। आदा शर्मा की रोंगटे खड़े कर देने वाली अदाकारी, केरल की युवतियों की दर्दनाक दास्ता। इस बात में कोई शक नहीं है कि सिनेमा जनमानस की अवधारणाओं को बदलने के लिए बहुत बड़ी ताकत रखता है। अमेरिका और रूस ने अपनी अपनी सियासी विचारधारा को दुनिया भर में पोषित करने के लिए सिर्फ अपने अपने देश के सिनेमा का ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जहां जहां उन्हें उभरती अर्थव्यवस्थाएं दिखी वहां तक की सिनेमा को अपने हिसाब से घुमाया है। अब बारी भारत की है। भारत की अपनी विचारधारा क्या है ये बात दुनिया को समझाने की जरूरत है। जरूरत उस पूरी नई पीढ़ी को भी समझने की है जिसके लिए प्यार पहली नजर का बुखार होता है, लेकिन कई बार ये बुखार अपने पीछे एक ऐसा बीमार छोड़ जाता है जो ना सिर्फ अपने परिवार को बल्कि आसपास की पूरी समाज को संक्रामित कर देता है। फिल्म द केरल स्टोरी पर एजेंडा फिल्म होने के आरोप लगे हैं। आरोप लगा कि 30,000 लड़कियों के धर्म परिवर्तन का आंकड़ा झूठा है। ये फिल्म कहानी चार युवतियों की है।
तीन पाले की एक तरफ और चौथी दूसरी तरफ। लेकिन अगर ये सच्ची कहानी किसी एक भारतीय युवती की भी है तो इसे दुनिया को दिखाया जाना चाहिए। अरसे तक मुझे लव जिहाद शब्द से प्रयोग पर गंभीर आपत्ति रही थी, लेकिन फिल्म द केरल स्टोरी सिरे से समझाती है कि इसे कैसे अंजाम दिया जाता है। फिल्म खत्म होने के बाद उन परिवारों को लोगों की असल इंटरव्यू दिखाया गया है जिनके साथ ये सब वाकई हो चुका है। एक हंसते खेलते परिवार की युवती शालिनी, जिसे अपनी संस्कृति, अपने परिवार, अपने रहन सहन और अपने आस पड़ोस से प्यार है। नर्स बनने के लिए वो नर्सिंग कॉलेज आती है। हॉस्टल में उसकी जिन युवतियों से दोस्ती है उनमें से एक उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाने का ताना वाना बुनती है जहां से वापसी की राह नहीं है। केरल से श्रीलंका, श्रीलंका से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से सीरिया का उसका सफर वहां आकर थमता है जहां उसकी जैसी तमाम लड़कियां आतंकवादी संगठन ISISI के कैंप में सिर्फ इसलिए जमा की गई है कि वो आतंकवादियों की देह की भूख मिटा सके। कहानियां फिल्म में और भी है, लेकिन सिर्फ ये एक कहानी झंझोर देने के लिए काफी है। फिल्म द केरल स्टोरी शुरू होती है और बताती है कि जिन युवतियों की कहानी पर ये फिल्म बनी है उनके घर वालों ने कैमरे पर अपनी आप बीती सुनाई है। शुरू शुरू में तो लगता है कि ये एक ऐसी फिल्म है जिसे किसी खास राजनीतिक उद्देश्य से ही बनाया गया है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है ये दर्शकों को अपने साथ जोड़ने लगती है। दिखावे की हमले, दिखावे की सुनाहानुभूति और दिखावे की प्रेम से युवतियों को बगर लाया जाता है। इस्लाम के मायने तोड़ मोड़ कर समझाए जाते हैं, जहां तक कि हिंदू देवी देवताओं और ईसा महीम के बारे में तमाम ऐसे बातें कही जाती है जिन्हें देखकर लगता है कि अगर यही बात किसी और धर्म के बारे में कही गई होती तो क्या उस धर्म के अनुयायी भी इतने ही सहिष्णु होकर ये फिल्म देखने जाते। जाकिर नायक जैसे धर्म प्रचारकों के हथकांडा का पर्दाफाश करती फिल्म द केरल स्टोरी खत्म होते होते एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित फिल्म बन जाती है जिसे कहना हर कालखंड में जरूरी लगता है। आदा शर्मा फिल्म द केरल स्टोरी में मुख्य भूमिका निभा रही है। पहले शालिनी और फिर फतिमा के किरदार में उन्होंने फिल्म को एक तरह से अपनी दोनों कंधों पर उठाए रखा है। केरल से ताल्लुक रखने वाली अपनी माँ से मलयालम उन्हें घुट्टी में मिली ही थी। वो पर्दे पर मलयालम बोलती भी कमाल की है। फिल्म दिल से के बाद ये दूसरी हिंदी फिल्म है जिसमें मलयालम में गाने हैं और भाषा समझ में ना आने के बावजूद सिर्फ आदा शर्मा के अभिनय और बीरेश श्रीवलासा के मधुर संगीत से ये गाना बहुत ही सुरुचिपूर्ण प्रभाव पैदा करने में सफल रहता है। फिल्म के रचनात्मक निर्देशक और निर्माता विपुल अमृतलाल साहा की इस बात के लिए दाद देनी चाहिए कि उन्होंने एक कठिन विषय पर फिल्म बनाते समय उसके कलाकारों के चयन में कोई समझौता नहीं किया गया है और उनकी पसंदीदा अदाकारा आदा शर्मा को इस फिल्म में अभिनय के लिए आने वाले समय में पुरस्कार मिलनी ही मिलनी चाहिए। फिल्म द केरल स्टोरी में शालिनी को सहेलिए के किरदार में योगिता बिहानी और सिद्धि इदनानी ने भी बहुत ही असरदार अभिनय किया है। एक कम्युनिस्ट नेता की बेटी के रोल में सिद्धि अपने किरदार का पूरा ग्राफ जीती है और प्रेम में डूबी लड़की से लेकर अपनी अस्तित्व गवाकर होश में आई लड़की की घुटने ना टेकने वाले अलार्म तक की दृश्य में उनका अभिनय नोटिस करने लायक है। योगिता बिहानी के किरदार का काम फिल्म में होशियार लड़की का है, लेकिन धोखे से जब उसके साथ भी सामूहिक बलात्कार होता है तो वो इस पूरे पांडे यंत्र का पर्दाफाश करने का बीड़ा उठाती है और इस किरदार को पर्दे पर उसके सारे अभिव्ययों के साथ योगिता ने बहुत ही खूबसूरती से पेश भी किया है। सोनिया बलानी यहाँ उस युवती के किरदार में है जिसके पास साधारण घर की युवतियों को बहलाना फुसला कर उस युवकों की आगोश में पहुंचाना है और उनकी जिम्मेदारी है जो उनका सिल भंग करके उन्हें अपने कहे रास्ते पर चलने को मजबूर कर देते हैं। अपने इस किरदार में सोनिया कभी बिंदु तो कभी अरुणा ईरानी की याद दिलाती है।
फिल्म द केरल स्टोरी पर तमाम आरोप लगे हैं, आगे भी लगने ही रहेंगे, लेकिन उसके निर्देशक सुदीप्त सेन ने तथ्य पर कायम रखते हुए एक संतुलित फिल्म बनाने की अच्छी कोशिश की है। फिल्म के कुछ दृश्य काफी भयावह है और कमजोर दिल के लोगों को असहज भी कर सकते हैं, लेकिन ये कथानक की गंभीरता जानने के लिए जरूरी भी नजर आते हैं। विश्व सिनेमा से सुदीप्त की नजर दी किया यहाँ उन्हें अपने विषय पर पकड़ बनाए रखने में पूरी मदद करती है। सुदीप्त की सिनेमा के बारे में जिन्हें पता है वो उनकी शैली की कौशल को कायल ही रहे हैं। वो सिनेमा में मेलोड्रामा पनपने नहीं देते, उनके दृश्य की नाटकीयता भी दहे तक हदे तय है और ये हदे भी फिल्म द केरल स्टोरी को एक अच्छी फिल्म का तगमा दिलाने में मदद करती है। फिल्म के संगीत जैसी है सरलता उसकी तकनीकी टीम में भी है। केरल से लेकर सीरिया और अफगानिस्तान जैसे इलाकों को पर्दे पर दिखाने के लिए इनकी वास्तविकता के बेहद करीब के स्थलों को फिल्माने के लिए फिल्म के छाया निर्देशक प्रशांतनु महापात्र ने अपने कैमरे को बेहद ही सत कर रखा है। कॉस्ट्यूम डिजाइनर राधिका मेहरा की मेहनत फिल्म की किरदारों की वेशभूषा में अच्छे से झलकती है और अंगना सेन वो चेतन आश्चर्य ने फिल्म का वातावरण संजोने में अपनी प्रोडक्शन डिजाइन टीम के साथ मिलकर काफी मेहनत की है। फिल्म के खटकने वाले जो पहलू है वो है उसका बैकग्राउंड म्यूजिक और उसके मारधाड़ वाले दृश्यों का संयोजन। फिल्म के कलाकारों का मेकअप भी थोड़ा बेहतर और दृश्य के प्रकाश संयोजन के हिसाब से होता तो असर गहरा होता। फिल्म द केरल स्टोरी इन कुछ कमियों के बावजूद अपना समग्र असर छोड़ने में सफल रहती है और अगर इसे निष्पक्ष भाव से देखा जाए तो ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म बिल्कुल नहीं नजर आती। अदा शर्मा की रोंगटे खड़े कर देने वाली अदाकारी, केरल की युवतियों की दर्दनाक दास्ता। इस बात में कोई शक नहीं है कि सिनेमा जनमानस की अवधारणाओं को बदलने के लिए बहुत बड़ी ताकत रखता है। अमेरिका और रूस ने अपनी अपनी सियासी विचारधारा को दुनिया भर में पोषित करने के लिए सिर्फ अपने अपने देश की सिनेमा का ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ उन्हें उभरती अर्थव्यवस्थाएं दिखी वहाँ तक की सिनेमा को अपने हिसाब से घुमाया है। अब बारी भारत की है। भारत की अपनी विचारधारा क्या है ये बात दुनिया को समझाने की जरूरत है। जरूरत उस पूरी नई पीढ़ी को भी समझने की है जिसके लिए प्यार पहली नजर का बुखार होता है, लेकिन कई बार ये बुखार अपने पीछे एक ऐसा बीमार छोड़ जाता है जो ना सिर्फ अपने परिवार को बल्कि आसपास की पूरी समाज को संक्रामित कर देता है। फिल्म द केरल स्टोरी पर एजेंडा फिल्म होने के आरोप लगे हैं। आरोप लगा कि 30,000 लड़कियों के धर्म परिवर्तन का आंकड़ा झूठा है। ये फिल्म कहानी चार युवतियों की है, तीन पाले की एक तरफ और चौथी दूसरी तरफ, लेकिन अगर ये सच्ची कहानी किसी एक भारतीय युवती की भी है तो इसे दुनिया को दिखाया जाना चाहिए। अरसे तक मुझे लव जिहाद शब्द से प्रयोग पर गंभीर आपत्ति रही थी, लेकिन फिल्म द केरल स्टोरी सिरे से समझाती है कि इसे कैसे अंजाम दिया जाता है। फिल्म खत्म होने के बाद उन परिवारों को लोगों की असल इंटरव्यू दिखाया गया है जिनके साथ ये सब वाकई हो चुका है। एक हंसते खेलते परिवार की युवती शालिनी जिसे अपनी संस्कृति अपने परिवार अपने रहन सहन और अपने आस पड़ोस से प्यार है। नर्स बनने के लिए वो नर्सिंग कॉलेज आती है। हॉस्टल में उसकी जिन युवतियों से दोस्ती है उनमें से एक उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाने का ताना वाना बुनती है जहाँ से वापसी की राह नहीं है। केरल से श्रीलंका, श्रीलंका से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से सीरिया का उसका सफर वहां आकर थमता है जहां उसकी जैसी तमाम लड़कियां आतंकवादी संगठन ISISI के कैंप में सिर्फ इसलिए जमा की गई है कि वो आतंकवादियों की देह की भूख मिटा सके। कहानियां फिल्म में और भी है, लेकिन सिर्फ ये एक कहानी झंझोर देने के लिए काफी है।
फिल्म द केरल स्टोरी शुरू होती है और बताती है कि जिन युवतियों की कहानी पर ये फिल्म बनी है उनके घर वालों ने कैमरे पर अपनी आप बीती सुनाई है। शुरू शुरू में तो लगता है कि ये एक ऐसी फिल्म है जिसे किसी खास राजनीतिक उद्देश्य से ही बनाया गया है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है ये दर्शकों को अपने साथ जोड़ने लगती है। दिखावे की हमले, दिखावे की सुनाहानुभूति और दिखावे की प्रेम से युवतियों को बगर लाया जाता है। इस्लाम के मायने तोड़ मोड़ कर समझाए जाते हैं, जहां तक कि हिंदू देवी देवताओं और ईसा मसीह के बारे में तमाम ऐसे बातें कही जाती है जिन्हें देखकर लगता है कि अगर यही बात किसी और धर्म के बारे में कही गई होती तो क्या उस धर्म के अनुयायी भी इतने ही सहिष्णु होकर ये फिल्म देखने जाते। जाकिर नायक जैसे धर्म प्रचारकों के हत्कांडा का पर्दाफाश करती फिल्म द केरल स्टोरी खत्म होते होते एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित फिल्म बन जाती है जिसे कहना हर कालखंड में जरूरी लगता है। आदा शर्मा फिल्म द केरल स्टोरी में मुख्य भूमिका निभा रही है। पहले शालिनी और फिर फतिमा के किरदार में उन्होंने फिल्म को एक तरह से अपनी दोनों कंधों पर उठाए रखा है। केरल से ताल्लुक रखने वाली अपनी माँ से मलयालम उन्हें घुट्टी में मिली ही थी। वो पर्दे पर मलयालम बोलती भी कमाल की है। फिल्म दिल से के बाद ये दूसरी हिंदी फिल्म है जिसमें मलयालम में गाने हैं और भाषा समझ में ना आने के बावजूद सिर्फ आदा शर्मा के अभिनय और बीरेश श्रीवलासा के मधुर संगीत से ये गाना बहुत ही सुरुचिपूर्ण प्रभाव पैदा करने में सफल रहता है। फिल्म के रचनात्मक निर्देशक और निर्माता बिपुल अमृतलाल साहा की इस बात के लिए दाद देनी चाहिए कि उन्होंने एक कठिन विषय पर फिल्म बनाते समय उसके कलाकारों के चयन में कोई समझौता नहीं किया गया है और उनकी पसंदीदा अदाकारा आदा शर्मा को इस फिल्म में अभिनय के लिए आने वाले समय में पुरस्कार मिलनी ही मिलनी चाहिए। फिल्म द केरल स्टोरी में शालिनी को सहेलिए की किरदार में योगिता बिहानी और सिद्धि इदनानी ने भी बहुत ही असरदार अभिनय किया है। एक कम्युनिस्ट नेता की बेटी के रोल में सिद्धि अपने किरदार का पूरा ग्राफ जीती है और प्रेम में डूबी लड़की से लेकर अपनी अस्तित्व गवाकर होश में आई लड़की की घुटने ना टेकने वाले ऐलान तक की दृश्य में उनका अभिनय नोटिस करने लायक है। योगिता बिहानी के किरदार का काम फिल्म में होशियार लड़की का है, लेकिन धोखे से जब उसके साथ भी सामूहिक बलात्कार होता है तो वो इस पूरे पांडे यंत्र का पर्दाफाश करने का बीड़ा उठाती है और इस किरदार को पर्दे पर उसके सारे अभिव्ययों के साथ योगिता ने बहुत ही खूबसूरती से पेश भी किया है। सोनिया बलानी यह उस युवती के किरदार में है जिसके पास साधारण घर की युवतियों को बहलाना फुसला कर उस युवकों की आगोश में पहुंचाना है और उनकी जिम्मेदारी है जो उनका सिल भंग करके उन्हें अपने कहे रास्ते पर चलने को मजबूर कर देते हैं। अपने इस किरदार में सोनिया कभी बिंदु तो कभी अरुणा ईरानी की याद दिलाती है। फिल्म द केरल स्टोरी पर तमाम आरोप लगे हैं, आगे भी लगने ही रहेंगे, लेकिन उसके निर्देशक सुदीप्त सेन ने तथ्य पर कायम रखते हुए एक संतुलित फिल्म बनाने की अच्छी कोशिश की है। फिल्म के कुछ दृश्य काफी भयावह है और कमजोर दिल के लोगों को असहज भी कर सकते हैं, लेकिन ये कथानक की गंभीरता जानने के लिए जरूरी भी नजर आते हैं। विश्व सिनेमा से सुदीप्त की नजर दीकिया यह उन्हें अपनी विषय पर पकड़ बनाए रखने में पूरी मदद करती है। सुदीप्त की सिनेमा के बारे में जिन्हें पता है वो उनकी शैली की कौशल को कायल ही रहे हैं। वो सिनेमा में मेलोड्रामा पनपने नहीं देते, उनके दृश्य की नाटकीयता भी दहे तक हदे तय है और ये हदे भी फिल्म द केरल स्टोरी को एक अच्छी फिल्म का तगमा दिलाने में मदद करती है। फिल्म के संगीत जैसी है सरलता उसकी तकनीकी टीम में भी है। केरल से लेकर सीरिया और अफगानिस्तान जैसे इलाकों को पर्दे पर दिखाने के लिए इनकी वास्तविकता के बेहद करीब के स्थलों को फिल्माने के लिए फिल्म के छाया निर्देशक प्रशांतनु महापात्र ने अपने कैमरे को बेहद ही सतकर रखा है।
कॉस्ट्यूम डिजाइनर राधिका मेहरा की मेहनत फिल्म की किरदारों की वेशभूषा में अच्छे से झलकती है और अंगना सेन वो चेतन आश्चर्य ने फिल्म का वातावरण संजोने में अपनी प्रोडक्शन डिजाइन टीम के साथ मिलकर काफी मेहनत की है। फिल्म के खटकने वाले जो पहलू है वो है उसका बैकग्राउंड म्यूजिक और उसके मारधार वाले दृश्यों का संयोजन। फिल्म के कलाकारों का मेकअप भी थोड़ा बेहतर और दृश्य के प्रकाश संयोजन के हिसाब से होता तो असर गहरा होता। फिल्म द केरल स्टोरी इन कुछ कमियों के बावजूद अपना समग्र असर छोड़ने में सफल रहती है और अगर इसे निष्पक्ष भाव से देखा जाए तो ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म बिल्कुल नहीं नजर आती। आदा शर्मा की रोंगटे खड़े कर देने वाली अदाकारी, केरल की युवतियों की दर्दनाक दास्ता। इस बात में कोई शक नहीं है कि सिनेमा जनमानस की अवधारणाओं को बदलने के लिए बहुत बड़ी ताकत रखता है। अमेरिका और रूस ने अपनी अपनी सियासी विचारधारा को दुनिया भर में पोषित करने के लिए सिर्फ अपने अपने देश के सिनेमा का ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ उन्हें उभरती अर्थव्यवस्थाएं दिखी वहाँ तक की सिनेमा को अपने हिसाब से घुमाया है। अब बारी भारत की है। भारत की अपनी विचारधारा क्या है ये बात दुनिया को समझाने की जरूरत है। जरूरत उस पूरी नई पीढ़ी को भी समझने की है जिसके लिए प्यार पहली नजर का बुखार होता है, लेकिन कई बार ये बुखार अपने पीछे एक ऐसा बीमार छोड़ जाता है जो ना सिर्फ अपने परिवार को बल्कि आसपास के पूरी समाज को संक्रामित कर देता है। फिल्म द केरल स्टोरी पर एजेंडा फिल्म होने के आरोप लगे हैं। आरोप लगा कि 30,000 लड़कियों के धर्म परिवर्तन का आंकड़ा झूठा है। ये फिल्म कहानी चार युवतियों की है, तीन पाले की एक तरफ और चौथी दूसरी तरफ। लेकिन अगर ये सच्ची कहानी किसी एक भारतीय युवती की भी है तो इसे दुनिया को दिखाया जाना चाहिए। अरसे तक मुझे लव जिहाद शब्द से प्रयोग पर गंभीर आपत्ति रही थी, लेकिन फिल्म द केरल स्टोरी सिरे से समझाती है कि इसे कैसे अंजाम दिया जाता है। फिल्म खत्म होने के बाद उन परिवारों को लोगों की असल इंटरव्यू दिखाया गया है जिनके साथ ये सब वाकई हो चुका है। एक हंसते खेलते परिवार की युवती शालिनी, जिसे अपनी संस्कृति, अपने परिवार, अपने रहन सहन और अपने आस पड़ोस से प्यार है। नर्स बनने के लिए वो नर्सिंग कॉलेज आती है। हॉस्टल में उसकी जिन युवतियों से दोस्ती है उनमें से एक उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाने का ताना बाना बुनती है जहाँ से वापसी की राह नहीं है। केरल से श्रीलंका, श्रीलंका से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से सीरिया का उसका सफर वहां आकर थमता है जहां उसकी जैसी तमाम लड़कियां आतंकवादी संगठन ISISI के कैंप में सिर्फ इसलिए जमा की गई है कि वो आतंकवादियों की देह की भूख मिटा सके। कहानियां फिल्म में और भी है, लेकिन सिर्फ ये एक कहानी झंझोर देने के लिए काफी है। फिल्म द केरल स्टोरी शुरू होती है और बताती है कि जिन युवतियों की कहानी पर ये फिल्म बनी है उनके घर वालों ने कैमरे पर अपनी आप बीती सुनाई है। शुरू शुरू में तो लगता है कि ये एक ऐसी फिल्म है जिसे किसी खास राजनीतिक उद्देश्य से ही बनाया गया है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है ये दर्शकों को अपने साथ जोड़ने लगती है। दिखावे की हमले, दिखावे की सुनाहानुभूति और दिखावे की प्रेम से युवतियों को बगर लाया जाता है। इस्लाम के मायने तोड़ मोड़ कर समझाए जाते हैं, जहां तक कि हिंदू देवी देवताओं और ईसा मसीह के बारे में तमाम ऐसे बातें कही जाती है जिन्हें देखकर लगता है कि अगर यही बात किसी और धर्म के बारे में कही गई होती तो क्या उस धर्म के अनुयायी भी इतने ही सहिष्णु होकर ये फिल्म देखने जाते। जाकिर नायक जैसे धर्म प्रचारकों के हथकांडा का पर्दाफाश करती फिल्म द केरल स्टोरी खत्म होते होते एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित फिल्म बन जाती है जिसे कहना हर कालखंड में जरूरी लगता है। आदा शर्मा फिल्म द केरल स्टोरी में मुख्य भूमिका निभा रही है। पहले शालिनी और फिर फतिमा के किरदार में उन्होंने फिल्म को एक तरह से अपनी दोनों कंधों पर उठाए रखा है। केरल से ताल्लुक रखने वाली अपनी माँ से मलयालम उन्हें घुट्टी में मिली ही थी।
वो पर्दे पर मलयालम बोलती भी कमाल की है। फिल्म दिल से के बाद ये दूसरी हिंदी फिल्म है जिसमें मलयालम में गाने हैं और भाषा समझ में ना आने के बावजूद सिर्फ आदा शर्मा के अभिनय और बीडेश श्रीवलासा के मधुर संगीत से ये गाना बहुत ही सुरुचिपूर्ण प्रभाव पैदा करने में सफल रहता है। फिल्म के रचनात्मक निर्देशक और निर्माता बिपुल अमृतलाल साहा की इस बात के लिए दाद देनी चाहिए कि उन्होंने एक कठिन विषय पर फिल्म बनाते समय उसके कलाकारों के चयन में कोई समझौता नहीं किया गया है और उनकी पसंदीदा अदाकारा आदा शर्मा को इस फिल्म में अभिनय के लिए आने वाले समय में पुरस्कार मिलनी ही मिलनी चाहिए। फिल्म द केरल स्टोरी में शालिनी को सहेलिए की किरदार में योगिता बिहानी और सिद्धि इदनानी ने भी बहुत ही असरदार अभिनय किया है। एक कम्युनिस्ट नेता की बेटी के रोल में सिद्धि अपने किरदार का पूरा ग्राफ जीती है और प्रेम में डूबी लड़की से लेकर अपनी अस्तित्व गवाकर होश में आई लड़की की घुटने ना टेकने वाले अलार्म तक की दृश्य में उनका अभिनय नोटिस करने लायक है। योगिता बिहानी के किरदार का काम फिल्म में होशियार लड़की का है, लेकिन धोखे से जब उसके साथ भी सामूहिक बलात्कार होता है तो वो इस पूरे पांड्य यंत्र का पर्दाफाश करने का बीड़ा उठाती है और इस किरदार को पर्दे पर उसके सारे अभिव्ययों के साथ योगिता ने बहुत ही खूबसूरती से पेश भी किया है। सोनिया बलानी यह उस युवती के किरदार में है जिसके पास साधारण घर की युवतियों को बहलाना फुसलाकर उस युवकों की आगोश में पहुंचाना है और उनकी जिम्मेदारी है जो उनका सिल भंग करके उन्हें अपने कहे रास्ते पर चलने को मजबूर कर देते हैं। अपने इस किरदार में सोनिया कभी बिंदु तो कभी अरुणा ईरानी की याद दिलाती है। फिल्म द केरल स्टोरी पर तमाम आरोप लगे हैं, आगे भी लगने ही रहेंगे, लेकिन उसके निर्देशक सुदीप्त सेन ने तथ्य पर कायम रखते हुए एक संतुलित फिल्म बनाने की अच्छी कोशिश की है। फिल्म के कुछ दृश्य काफी भयावह है और कमजोर दिल के लोगों को असहज भी कर सकते हैं, लेकिन ये कथानक की गंभीरता जानने के लिए जरूरी भी नजर आते हैं। विश्व सिनेमा से सुदीप्त की नजर दी किया यह उन्हें अपने विषय पर पकड़ बनाए रखने में पूरी मदद करती है। सुदीप्त की सिनेमा के बारे में जिन्हें पता है वो उनकी शैली की कौशल को कायल ही रहे हैं। वो सिनेमा में मेलोड्रामा पनपने नहीं देते, उनके दृश्य की नाटकीयता भी दहे तक हदे तय है और ये हदे भी फिल्म द केरल स्टोरी को एक अच्छी फिल्म का तगमा दिलाने में मदद करती है। फिल्म के संगीत जैसी है सरलता उसकी तकनीकी टीम में भी है। केरल से लेकर सीरिया और अफगानिस्तान जैसे इलाकों को पर्दे पर दिखाने के लिए इनकी वास्तविकता के बेहद करीब के स्थलों को फिल्माने के लिए फिल्म के छाया निर्देशक प्रशांतनु महापात्र ने अपने कैमरे को बेहद ही सत कर रखा है। कॉस्ट्यूम डिजाइनर राधिका मेहरा की मेहनत फिल्म की किरदारों की वेशभूषा में अच्छे से झलकती है और अंगना सेन वो चेतन आश्चर्य ने फिल्म का वातावरण संजोने में अपनी प्रोडक्शन डिजाइन टीम के साथ मिलकर काफी मेहनत की है। फिल्म के खटकने वाले जो पहलू है वो है उसका बैकग्राउंड म्यूजिक और उसके मारधार वाले दृश्यों का संयोजन। फिल्म के कलाकारों का मेकअप भी थोड़ा बेहतर और दृश्य के प्रकाश संयोजन के हिसाब से होता तो असर गहरा होता। फिल्म द केरल स्टोरी इन कुछ कमियों के बावजूद अपना समग्र असर छोड़ने में सफल रहती है और अगर इसे निष्पक्ष भाव से देखा जाए तो ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म बिल्कुल नहीं नजर आती। आदा शर्मा की रोंगटे खड़े कर देने वाली अदाकारी, केरल की युवतियों की दर्दनाक दास्ता। इस बात में कोई शक नहीं है कि सिनेमा जनमानस की अवधारणाओं को बदलने के लिए बहुत बड़ी ताकत रखता है। अमेरिका और रूस ने अपनी अपनी सियासी विचारधारा को दुनिया भर में पोषित करने के लिए सिर्फ अपने अपने देश के सिनेमा का ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ उन्हें उभरती अर्थव्यवस्थाएं दिखी वहां तक की सिनेमा को अपने हिसाब से घुमाया है। अब बारी भारत की है।
भारत की अपनी विचारधारा क्या है ये बात दुनिया को समझाने की जरूरत है। जरूरत उस पूरी नई पीढ़ी को भी समझने की है जिसके लिए प्यार पहली नजर का बुखार होता है, लेकिन कई बार ये बुखार अपने पीछे एक ऐसा बीमार छोड़ जाता है जो ना सिर्फ अपने परिवार को बल्कि आसपास की पूरी समाज को संक्रामित कर देता है। फिल्म द केरल स्टोरी पर एजेंडा फिल्म होने के आरोप लगे हैं। आरोप लगा कि 30,000 लड़कियों के धर्म परिवर्तन का आंकड़ा झूठा है। ये फिल्म कहानी चार युवतियों की है, तीन पाले की एक तरफ और चौथी दूसरी तरफ। लेकिन अगर ये सच्ची कहानी किसी एक भारतीय युवती की भी है तो इसे दुनिया को दिखाया जाना चाहिए। अरसे तक मुझे लव जिहाद शब्द से प्रयोग पर गंभीर आपत्ति रही थी, लेकिन फिल्म द केरल स्टोरी सिरे से समझाती है कि इसे कैसे अंजाम दिया जाता है। फिल्म खत्म होने के बाद उन परिवारों को लोगों की असल इंटरव्यू दिखाया गया है जिनके साथ ये सब वाकई हो चुका है। एक हंसते खेलते परिवार की युवती शालिनी, जिसे अपनी संस्कृति, अपने परिवार, अपने रहन सहन और अपने आस पड़ोस से प्यार है। नर्स बनने के लिए वो नर्सिंग कॉलेज आती है। हॉस्टल में उसकी जिन युवतियों से दोस्ती है उनमें से एक उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाने का ताना वाना बुनती है जहां से वापसी की राह नहीं है। केरल से श्रीलंका, श्रीलंका से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से सीरिया का उसका सफर वहां आकर थमता है जहां उसकी जैसी तमाम लड़कियां आतंकवादी संगठन ISISI के कैंप में सिर्फ इसलिए जमा की गई है कि वो आतंकवादियों की देह की भूख मिटा सके। कहानियां फिल्म में और भी है, लेकिन सिर्फ ये एक कहानी झंझोर देने के लिए काफी है। फिल्म द केरल स्टोरी शुरू होती है और बताती है कि जिन युवतियों की कहानी पर ये फिल्म बनी है उनके घर वालों ने कैमरे पर अपनी आप बीती सुनाई है। शुरू शुरू में तो लगता है कि ये एक ऐसी फिल्म है जिसे किसी खास राजनीतिक उद्देश्य से ही बनाया गया है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है ये दर्शकों को अपने साथ जोड़ने लगती है। दिखावे की हमले, दिखावे की सुनाहानुभूति और दिखावे की प्रेम से युवतियों को बगर लाया जाता है। इस्लाम के मायने तोड़ मोड़ कर समझाए जाते हैं, जहां तक कि हिंदू देवी देवताओं और ईसा महीम के बारे में तमाम ऐसे बातें कही जाती है जिन्हें देखकर लगता है कि अगर यही बात किसी और धर्म के बारे में कही गई होती तो क्या उस धर्म के अनुयायी भी इतने ही सहिष्णु होकर ये फिल्म देखने जाते। जाकिर नायक जैसे धर्म प्रचारकों के हथकांडा का पर्दाफाश करती फिल्म द केरल स्टोरी खत्म होते होते एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित फिल्म बन जाती है जिसे कहना हर कालखंड में जरूरी लगता है। आदा शर्मा फिल्म द केरल स्टोरी में मुख्य भूमिका निभा रही है। पहले शालिनी और फिर फतिमा के किरदार में उन्होंने फिल्म को एक तरह से अपनी दोनों कंधों पर उठाए रखा है। केरल से ताल्लुक रखने वाली अपनी माँ से मलयालम उन्हें घुट्टी में मिली ही थी। वो पर्दे पर मलयालम बोलती भी कमाल की है। फिल्म दिल से के बाद ये दूसरी हिंदी फिल्म है जिसमें मलयालम में गाने हैं और भाषा समझ में ना आने के बावजूद सिर्फ आदा शर्मा के अभिनय और बीरेश श्रीवलासा के मधुर संगीत से ये गाना बहुत ही सुरुचिपूर्ण प्रभाव पैदा करने में सफल रहता है। फिल्म के रचनात्मक निर्देशक और निर्माता विपुल अमृतलाल साहा की इस बात के लिए दाद देनी चाहिए कि उन्होंने एक कठिन विषय पर फिल्म बनाते समय उसके कलाकारों के चयन में कोई समझौता नहीं किया गया है और उनकी पसंदीदा अदाकारा आदा शर्मा को इस फिल्म में अभिनय के लिए आने वाले समय में पुरस्कार मिलनी ही मिलनी चाहिए। फिल्म द केरल स्टोरी में शालिनी को सहेलिए के किरदार में योगिता बिहानी और सिद्धि इदनानी ने भी बहुत ही असरदार अभिनय किया है। एक कम्युनिस्ट नेता की बेटी के रोल में सिद्धि अपने किरदार का पूरा ग्राफ जीती है और प्रेम में डूबी लड़की से लेकर अपनी अस्तित्व गवाकर होश में आई लड़की की घुटने ना टेकने वाले ऐलान तक की दृश्य में उनका अभिनय नोटिस करने लायक है। योगिता बिहानी के किरदार का काम फिल्म में होशियार लड़की का है, लेकिन धोखे से जब उसके साथ भी सामूहिक बलात्कार होता है तो
वो इस पूरे पांड्य यंत्र का पर्दाफाश करने का बीड़ा उठाती है और इस किरदार को पर्दे पर उसके सारे अभिव्ययों के साथ योगिता ने बहुत ही खूबसूरती से पेश भी किया है। सोनिया बलानी यहाँ उस युवती के किरदार में है जिसके पास साधारण घर की युवतियों को बहलाना फुसला कर उस युवकों की आगोश में पहुंचाना है और उनकी जिम्मेदारी है जो उनका सिल भंग करके उन्हें अपने कहे रास्ते पर चलने को मजबूर कर देते हैं। अपने इस किरदार में सोनिया कभी बिंदु तो कभी अरुणा ईरानी की याद दिलाती है। फिल्म द केरल स्टोरी पर तमाम आरोप लगे हैं, आगे भी लगने ही रहेंगे, लेकिन उसके निर्देशक सुदीप्त सेन ने तथ्य पर कायम रखते हुए एक संतुलित फिल्म बनाने की अच्छी कोशिश की है। फिल्म के कुछ दृश्य काफी भयावह है और कमजोर दिल के लोगों को असहज भी कर सकते हैं, लेकिन ये कथानक की गंभीरता जानने के लिए जरूरी भी नजर आते हैं। विश्व सिनेमा से सुदीप्त की नजर दीकिया यहाँ उन्हें अपनी विषय पर पकड़ बनाए रखने में पूरी मदद करती है। सुदीप्त की सिनेमा के बारे में जिन्हें पता है वो उनकी शैली की कौशल को कायल ही रहे हैं। वो सिनेमा में मेलोड्रामा पनपने नहीं देते, उनके दृश्य की नाटकीयता भी दहे तक हदे तय है और ये हदे भी फिल्म द केरल स्टोरी को एक अच्छी फिल्म का तगमा दिलाने में मदद करती है। फिल्म के संगीत जैसी है सरलता उसकी तकनीकी टीम में भी है। केरल से लेकर सीरिया और अफगानिस्तान जैसे इलाकों को पर्दे पर दिखाने के लिए इनकी वास्तविकता के बेहद करीब के स्थलों को फिल्माने के लिए फिल्म के छाया निर्देशक प्रशांतनु महापात्र ने अपने कैमरे को बेहद ही सत कर रखा है। कॉस्ट्यूम डिजाइनर राधिका मेहरा की मेहनत फिल्म के किरदारों की वेशभूषा में अच्छे से झलकती है और अंगना सेन वो चेतन आश्चर्य ने फिल्म का वातावरण संजोने में अपनी प्रोडक्शन डिजाइन टीम के साथ मिलकर काफी मेहनत की है। फिल्म के खटकने वाले जो पहलू है वो है उसका बैकग्राउंड म्यूजिक और उसके मारधाड़ वाले दृश्यों का संयोजन। फिल्म के कलाकारों का मेकअप भी थोड़ा बेहतर और दृश्य के प्रकाश संयोजन के हिसाब से होता तो असर गहरा होता। फिल्म द केरल स्टोरी इन कुछ कमियों के बावजूद अपना समग्र असर छोड़ने में सफल रहती है और अगर इसे निष्पक्ष भाव से देखा जाए तो ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म बिल्कुल नहीं नजर आती। आदा शर्मा की रोंगटे खड़े कर देने वाली अदाकारी, केरल की युवतियों की दर्दनाक दास्ता। इस बात में कोई शक नहीं है कि सिनेमा जनमानस की अवधारणाओं को बदलने के लिए बहुत बड़ी ताकत रखता है। अमेरिका और रूस ने अपनी अपनी सियासी विचारधारा को दुनिया भर में पोषित करने के लिए सिर्फ अपने अपने देश की सिनेमा का ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ उन्हें उभरती अर्थव्यवस्थाएं दिखी वहाँ तक की सिनेमा को अपने हिसाब से घुमाया है। अब बारी भारत की है। भारत की अपनी विचारधारा क्या है ये बात दुनिया को समझाने की जरूरत है। जरूरत उस पूरी नई पीढ़ी को भी समझने की है जिसके लिए प्यार पहली नजर का बुखार होता है, लेकिन कई बार ये बुखार अपने पीछे एक ऐसा बीमार छोड़ जाता है जो ना सिर्फ अपने परिवार को बल्कि आसपास की पूरी समाज को संक्रामित कर देता है। फिल्म द केरल स्टोरी पर एजेंडा फिल्म होने के आरोप लगे हैं। आरोप लगा कि 30,000 लड़कियों के धर्म परिवर्तन का आंकड़ा झूठा है। ये फिल्म कहानी चार युवतियों की है, तीन पाले की एक तरफ और चौथी दूसरी तरफ। लेकिन अगर ये सच्ची कहानी किसी एक भारतीय युवती की भी है तो इसे दुनिया को दिखाया जाना चाहिए। अरसे तक मुझे लव जिहाद शब्द से प्रयोग पर गंभीर आपत्ति रही थी, लेकिन फिल्म द केरल स्टोरी सिरे से समझाती है कि इसे कैसे अंजाम दिया जाता है। फिल्म खत्म होने के बाद उन परिवारों को लोगों की असल इंटरव्यू दिखाया गया है जिनके साथ ये सब वाकई हो चुका है। एक हंसते खेलते परिवार की युवती शालिनी जिसे अपनी संस्कृति अपने परिवार अपने रहन सहन और अपने आस पड़ोस से प्यार है। नर्स बनने के लिए वो नर्सिंग कॉलेज आती है। हॉस्टल में उसकी जिन युवतियों से दोस्ती है
उनमें से एक उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाने का ताना बाना बुनती है जहां से वापसी की राह नहीं है। केरल से श्रीलंका, श्रीलंका से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से सीरिया का उसका सफर वहां आकर थमता है जहां उसकी जैसी तमाम लड़कियां आतंकवादी संगठन ISISI के कैंप में सिर्फ इसलिए जमा की गई है कि वो आतंकवादियों की देह की भूख मिटा सके। कहानियां फिल्म में और भी है लेकिन सिर्फ ये एक कहानी झंझोर देने के लिए काफी है। फिल्म द केरल स्टोरी शुरू होती है और बताती है कि जिन युवतियों की कहानी पर ये फिल्म बनी है उनके घर वालों ने कैमरे पर अपनी आप बीती सुनाई है। शुरू शुरू में तो लगता है कि ये एक ऐसी फिल्म है जिसे किसी खास राजनीतिक उद्देश्य से ही बनाया गया है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है ये दर्शकों को अपने साथ जोड़ने लगती है। दिखावे की हमले, दिखावे की सुनहानुभूति और दिखावे की प्रेम से युवतियों को बगर लाया जाता है। इस्लाम के मायने तोड़ मोड़ कर समझाए जाते हैं, जहां तक कि हिंदू देवी देवताओं और ईसा मसीह के बारे में तमाम ऐसे बातें कही जाती है जिन्हें देखकर लगता है कि अगर यही बात किसी और धर्म के बारे में कही गई होती तो क्या उस धर्म के अनुयायी भी इतने ही सहिष्णु होकर ये फिल्म देखने जाते। जाकिर नायक जैसे धर्म प्रचारकों के हथकांडा का पर्दाफाश करती फिल्म द केरल स्टोरी खत्म होते होते एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित फिल्म बन जाती है जिसे कहना हर कालखंड में जरूरी लगता है। आदा शर्मा फिल्म द केरल स्टोरी में मुख्य भूमिका निभा रही है। पहले शालिनी और फिर फतिमा के किरदार में उन्होंने फिल्म को एक तरह से अपनी दोनों कंधों पर उठाए रखा है। केरल से ताल्लुक रखने वाली अपनी माँ से मलयालम उन्हें घुट्टी में मिली ही थी। वो पर्दे पर मलयालम बोलती भी कमाल की है। फिल्म दिल से के बाद ये दूसरी हिंदी फिल्म है जिसमें मलयालम में गाने हैं और भाषा समझ में ना आने के बावजूद सिर्फ आदा शर्मा के अभिनय और बीरेश श्रीवलासा के मधुर संगीत से ये गाना बहुत ही सुरुचिपूर्ण प्रभाव पैदा करने में सफल रहता है। फिल्म के रचनात्मक निर्देशक और निर्माता विपुल अमृतलाल साहा की इस बात के लिए दाद देनी चाहिए कि उन्होंने एक कठिन विषय पर फिल्म बनाते समय उसके कलाकारों के चयन में कोई समझौता नहीं किया गया है और उनकी पसंदीदा अदाकारा आदा शर्मा को इस फिल्म में अभिनय के लिए आने वाले समय में पुरस्कार मिलनी ही मिलनी चाहिए। फिल्म द केरल स्टोरी में शालिनी को सहेलिए की किरदार में योगिता बिहानी और सिद्धि इदनानी ने भी बहुत ही असरदार अभिनय किया है। एक कम्युनिस्ट नेता की बेटी के रोल में सिद्धि अपने किरदार का पूरा ग्राफ जीती है और प्रेम में डूबी लड़की से लेकर अपनी अस्तित्व गवाकर होश में आई लड़की की घुटने ना टेकने वाले ऐलान तक की दृश्य में उनका अभिनय नोटिस करने लायक है। योगिता बिहानी के किरदार का काम फिल्म में होशियार लड़की का है, लेकिन धोखे से जब उसके साथ भी सामूहिक बलात्कार होता है तो वो इस पूरे पांडे यंत्र का पर्दाफाश करने का बीड़ा उठाती है और इस किरदार को पर्दे पर उसके सारे अभिव्ययों के साथ योगिता ने बहुत ही खूबसूरती से पेश भी किया है। सोनिया बलानी यह उस युवती के किरदार में है जिसके पास साधारण घर की युवतियों को बहलाना फुसला कर उस युवकों की आगोश में पहुंचाना है और उनकी जिम्मेदारी है जो उनका सिल भंग करके उन्हें अपने कहे रास्ते पर चलने को मजबूर कर देते हैं। अपने इस किरदार में सोनिया कभी बिंदु तो कभी अरुणा ईरानी की याद दिलाती है। फिल्म द केरल स्टोरी पर तमाम आरोप लगे हैं, आगे भी लगने ही रहेंगे, लेकिन उसके निर्देशक सुदीप्त सेन ने तथ्य पर कायम रखते हुए एक संतुलित फिल्म बनाने की अच्छी कोशिश की है। फिल्म के कुछ दृश्य काफी भयावह है और कमजोर दिल के लोगों को असहज भी कर सकते हैं, लेकिन ये कथानक की गंभीरता जानने के लिए जरूरी भी नजर आते हैं। विश्व सिनेमा से सुदीप्त की नजर दी किया यह उन्हें अपनी विषय पर पकड़ बनाए रखने में पूरी मदद करती है। सुदीप्त की सिनेमा के बारे में जिन्हें पता है वो उनकी शैली की कौशल को कायल ही रहे हैं। वो सिनेमा में मेलोड्रामा पनपने नहीं देते।
उनके दृश्य की नाटकीयता भी दहे तक हदे तय है और ये हदे भी फिल्म द केरल स्टोरी को एक अच्छी फिल्म का तगमा दिलाने में मदद करती है। फिल्म के संगीत जैसी है सरलता उसकी तकनीकी टीम में भी है। केरल से लेकर सीरिया और अफगानिस्तान जैसे इलाकों को पर्दे पर दिखाने के लिए इनकी वास्तविकता के बेहद करीब के स्थलों को फिल्माने के लिए फिल्म के छाया निर्देशक प्रशांतनु महापात्र ने अपने कैमरे को बेहद ही सत कर रखा है। कॉस्ट्यूम डिजाइनर राधिका मेहरा की मेहनत फिल्म की किरदारों की वेशभूषा में अच्छे से झलकती है और अंगना सेन वो चेतन आश्चर्य ने फिल्म का वातावरण संजोने में अपनी प्रोडक्शन डिजाइन टीम के साथ मिलकर काफी मेहनत की है। फिल्म के खटकने वाले जो पहलू है वो है उसका बैकग्राउंड म्यूजिक और उसके मारधार वाले दृश्यों का संयोजन। फिल्म के कलाकारों का मेकअप भी थोड़ा बेहतर और दृश्य के प्रकाश संयोजन के हिसाब से होता तो असर गहरा होता। फिल्म द केरल स्टोरी इन कुछ कमियों के बावजूद अपना समग्र असर छोड़ने में सफल रहती है और अगर इसे निष्पक्ष भाव से देखा जाए तो ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म बिल्कुल नहीं नजर आती। अदा शर्मा की रोंगटे खड़े कर देने वाली अदाकारी, केरल की युवतियों की दर्दनाक दास्ता। इस बात में कोई शक नहीं है कि सिनेमा जनमानस की अवधारणाओं को बदलने के लिए बहुत बड़ी ताकत रखता है। अमेरिका और रूस ने अपनी अपनी सियासी विचारधारा को दुनिया भर में पोषित करने के लिए सिर्फ अपने अपने देश के सिनेमा का ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ उन्हें उभरती अर्थव्यवस्थाएं दिखी वहाँ तक की सिनेमा को अपने हिसाब से घुमाया है। अब बारी भारत की है। भारत की अपनी विचारधारा क्या है ये बात दुनिया को समझाने की जरूरत है। जरूरत उस पूरी नई पीढ़ी को भी समझने की है जिसके लिए प्यार पहली नजर का बुखार होता है, लेकिन कई बार ये बुखार अपने पीछे एक ऐसा बीमार छोड़ जाता है जो ना सिर्फ अपने परिवार को बल्कि आसपास की पूरी समाज को संक्रामित कर देता है। फिल्म द केरल स्टोरी पर एजेंडा फिल्म होने के आरोप लगे हैं। आरोप लगा कि 30,000 लड़कियों के धर्म परिवर्तन का आंकड़ा झूठा है। ये फिल्म कहानी चार युवतियों की है, तीन पाले की एक तरफ और चौथी दूसरी तरफ। लेकिन अगर ये सच्ची कहानी किसी एक भारतीय युवती की भी है तो इसे दुनिया को दिखाया जाना चाहिए। अरसे तक मुझे लव जिहाद शब्द से प्रयोग पर गंभीर आपत्ति रही थी, लेकिन फिल्म द केरल स्टोरी सिरे से समझाती है कि इसे कैसे अंजाम दिया जाता है। फिल्म खत्म होने के बाद उन परिवारों को लोगों की असल इंटरव्यू दिखाया गया है जिनके साथ ये सब वाकई हो चुका है। एक हंसते खेलते परिवार की युवती शालिनी, जिसे अपनी संस्कृति, अपने परिवार, अपने रहन सहन और अपने आस पड़ोस से प्यार है। नर्स बनने के लिए वो नर्सिंग कॉलेज आती है। हॉस्टल में उसकी जिन युवतियों से दोस्ती है उनमें से एक उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाने का ताना बाना बुनती है जहां से वापसी की राह नहीं है। केरल से श्रीलंका, श्रीलंका से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से सीरिया का उसका सफर वहां आकर थमता है जहां उसकी जैसी तमाम लड़कियां आतंकवादी संगठन ISISI के कैंप में सिर्फ इसलिए जमा की गई है कि वो आतंकवादियों की देह की भूख मिटा सके। कहानियां फिल्म में और भी है लेकिन सिर्फ ये एक कहानी झंझोर देने के लिए काफी है। फिल्म द केरल स्टोरी शुरू होती है और बताती है कि जिन युवतियों की कहानी पर ये फिल्म बनी है उनके घर वालों ने कैमरे पर अपनी आप बीती सुनाई है। शुरू शुरू में तो लगता है कि ये एक ऐसी फिल्म है जिसे किसी खास राजनीतिक उद्देश्य से ही बनाया गया है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है ये दर्शकों को अपने साथ जोड़ने लगती है। दिखावे की हमले, दिखावे की सुनाहानुभूति और दिखावे की प्रेम से युवतियों को बगर लाया जाता है। इस्लाम के मायने तोड़ मोड़ कर समझाए जाते हैं, जहां तक कि हिंदू देवी देवताओं और ईसा महीम के बारे में तमाम ऐसे बातें कही जाती है जिन्हें देखकर लगता है कि अगर यही बात किसी और धर्म के बारे में कही गई होती तो क्या उस धर्म के अनुयायी भी इतने ही
सहिष्णु होकर ये फिल्म देखने जाते जाकिर नायक जैसे धर्म प्रचारकों के हत्याकांडा का पर्दाफाश करती फिल्म द केरल स्टोरी खत्म होते होते एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित फिल्म बन जाती है जिसे कहना हर कालखंड में जरूरी लगता है। आदा शर्मा फिल्म द केरल स्टोरी में मुख्य भूमिका निभा रही है। पहले शालिनी और फिर फतिमा के किरदार में उन्होंने फिल्म को एक तरह से अपनी दोनों कंधों पर उठाए रखा है। केरल से ताल्लुक रखने वाली अपनी माँ से मलयालम उन्हें घुट्टी में मिली ही थी। वो पर्दे पर मलयालम बोलती भी कमाल की है। फिल्म दिल से के बाद ये दूसरी हिंदी फिल्म है जिसमें मलयालम में गाने हैं और भाषा समझ में ना आने के बावजूद सिर्फ आदा शर्मा के अभिनय और बीरेश श्रीवलासा के मधुर संगीत से ये गाना बहुत ही सुरुचिपूर्ण प्रभाव पैदा करने में सफल रहता है। फिल्म के रचनात्मक निर्देशक और निर्माता विपुल अमृतलाल साहा की इस बात के लिए दाद देनी चाहिए कि उन्होंने एक कठिन विषय पर फिल्म बनाते समय उसके कलाकारों के चयन में कोई समझौता नहीं किया गया है और उनकी पसंदीदा अदाकारा आदा शर्मा को इस फिल्म में अभिनय के लिए आने वाले समय में पुरस्कार मिलनी ही मिलनी चाहिए। फिल्म द केरल स्टोरी में शालिनी को सहेलिए के किरदार में योगिता बिहानी और सिद्धि इदनानी ने भी बहुत ही असरदार अभिनय किया है। एक कम्युनिस्ट नेता की बेटी के रोल में सिद्धि अपने किरदार का पूरा ग्राफ जीती है और प्रेम में डूबी लड़की से लेकर अपनी अस्तित्व गवाकर होश में आई लड़की की घुटने ना टेकने वाले अलार्म तक की दृश्य में उनका अभिनय नोटिस करने लायक है। योगिता बिहानी के किरदार का काम फिल्म में होशियार लड़की का है, लेकिन धोखे से जब उसके साथ भी सामूहिक बलात्कार होता है तो वो इस पूरे पांडयंत्र का पर्दाफाश करने का बीड़ा उठाती है और इस किरदार को पर्दे पर उसके सारे अभिव्ययों के साथ योगिता ने बहुत ही खूबसूरती से पेश भी किया है। सोनिया बलानी यहाँ उस युवती के किरदार में है जिसके पास साधारण घर की युवतियों को बहलाना फुसला कर उस युवकों की आगोश में पहुंचाना है और उनकी जिम्मेदारी है जो उनका सिल भंग करके उन्हें अपने कहे रास्ते पर चलने को मजबूर कर देते हैं। अपने इस किरदार में सोनिया कभी बिंदु तो कभी अरुणा ईरानी की याद दिलाती है। फिल्म द केरल स्टोरी पर तमाम आरोप लगे हैं, आगे भी लगने ही रहेंगे, लेकिन उसके निर्देशक सुदीप्त सेन ने तथ्य पर कायम रखते हुए एक संतुलित फिल्म बनाने की अच्छी कोशिश की है। फिल्म के कुछ दृश्य काफी भयावह है और कमजोर दिल के लोगों को असहज भी कर सकते हैं, लेकिन ये कथानक की गंभीरता जानने के लिए जरूरी भी नजर आते हैं। विश्व सिनेमा से सुदीप्त की नजर दी किया यहाँ उन्हें अपने विषय पर पकड़ बनाए रखने में पूरी मदद करती है। सुदीप्त की सिनेमा के बारे में जिन्हें पता है वो उनकी शैली की कौशल को कायल ही रहे हैं। वो सिनेमा में मेलोड्रामा पनपने नहीं देते, उनके दृश्य की नाटकीयता भी दहे तक हदे तय है और ये हदे भी फिल्म द केरल स्टोरी को एक अच्छी फिल्म का तगमा दिलाने में मदद करती है। फिल्म के संगीत जैसी है सरलता उसकी तकनीकी टीम में भी है। केरल से लेकर सीरिया और अफगानिस्तान जैसे इलाकों को पर्दे पर दिखाने के लिए इनकी वास्तविकता के बेहद करीब के स्थलों को फिल्माने के लिए फिल्म के छाया निर्देशक प्रशांतनु महापात्र ने अपने कैमरे को बेहद ही सत कर रखा है। कॉस्ट्यूम डिजाइनर राधिका मेहरा की मेहनत फिल्म की किरदारों की वेशभूषा में अच्छे से झलकती है और अंगना सेन वो चेतन आश्चर्य ने फिल्म का वातावरण संजोने में अपनी प्रोडक्शन डिजाइन टीम के साथ मिलकर काफी मेहनत की है। फिल्म के खटकने वाले जो पहलू है वो है उसका बैकग्राउंड म्यूजिक और उसके मारधाड़ वाले दृश्यों का संयोजन। फिल्म के कलाकारों का मेकअप भी थोड़ा बेहतर और दृश्य के प्रकाश संयोजन के हिसाब से होता तो असर गहरा होता। फिल्म द केरल स्टोरी इन कुछ कमियों के बावजूद अपना समग्र असर छोड़ने में सफल रहती है और अगर इसे निष्पक्ष भाव से देखा जाए तो ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म बिल्कुल नहीं नजर आती। आदा शर्मा की रोंगटे खड़े कर देने वाली अदाकारी
केरल की युवतियों की दर्दनाक दास्ता। इस बात में कोई शक नहीं है कि सिनेमा जनमानस की अवधारणाओं को बदलने के लिए बहुत बड़ी ताकत रखता है। अमेरिका और रूस ने अपनी अपनी सियासी विचारधारा को दुनिया भर में पोषित करने के लिए सिर्फ अपने अपने देश की सिनेमा का ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जहां जहां उन्हें उभरती अर्थव्यवस्थाएं दिखी वहां तक की सिनेमा को अपने हिसाब से घुमाया है। अब बारी भारत की है। भारत की अपनी विचारधारा क्या है ये बात दुनिया को समझाने की जरूरत है। जरूरत उस पूरी नई पीढ़ी को भी समझने की है जिसके लिए प्यार पहली नजर का बुखार होता है, लेकिन कई बार ये बुखार अपने पीछे एक ऐसा बीमार छोड़ जाता है जो ना सिर्फ अपने परिवार को बल्कि आसपास की पूरी समाज को संक्रामित कर देता है। फिल्म द केरल स्टोरी पर एजेंडा फिल्म होने के आरोप लगे हैं। आरोप लगा कि 30,000 लड़कियों के धर्म परिवर्तन का आंकड़ा झूठा है। ये फिल्म कहानी चार युवतियों की है, तीन पाले की एक तरफ और चौथी दूसरी तरफ। लेकिन अगर ये सच्ची कहानी किसी एक भारतीय युवती की भी है तो इसे दुनिया को दिखाया जाना चाहिए। अरसे तक मुझे लव जिहाद शब्द से प्रयोग पर गंभीर आपत्ति रही थी, लेकिन फिल्म द केरल स्टोरी सिरे से समझाती है कि इसे कैसे अंजाम दिया जाता है। फिल्म खत्म होने के बाद उन परिवारों को लोगों की असल इंटरव्यू दिखाया गया है जिनके साथ ये सब वाकई हो चुका है। एक हंसते खेलते परिवार की युवती शालिनी, जिसे अपनी संस्कृति, अपने परिवार, अपनी रहन सहन और अपने आस पड़ोस से प्यार है। नर्स बनने के लिए वो नर्सिंग कॉलेज आती है। हॉस्टल में उसकी जिन युवतियों से दोस्ती है उनमें से एक उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाने का ताना वाना बुनती है जहां से वापसी की राह नहीं है। केरल से श्रीलंका, श्रीलंका से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से सीरिया का उसका सफर वहां आकर थमता है जहां उसकी जैसी तमाम लड़कियां आतंकवादी संगठन ISISI के कैंप में सिर्फ इसलिए जमा की गई है कि वो आतंकवादियों की देह की भूख मिटा सके। कहानियां फिल्म में और भी है, लेकिन सिर्फ ये एक कहानी झंझोर देने के लिए काफी है। फिल्म द केरल स्टोरी शुरू होती है और बताती है कि जिन युवतियों की कहानी पर ये फिल्म बनी है उनके घर वालों ने कैमरे पर अपनी आप बीती सुनाई है। शुरू शुरू में तो लगता है कि ये एक ऐसी फिल्म है जिसे किसी खास राजनीतिक उद्देश्य से ही बनाया गया है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है ये दर्शकों को अपने साथ जोड़ने लगती है। दिखावे की हमले, दिखावे की सुनाहानुभूति और दिखावे की प्रेम से युवतियों को बगर लाया जाता है। इस्लाम के मायने तोड़ मोड़ कर समझाए जाते हैं, जहां तक कि हिंदू देवी देवताओं और ईसा मसीह के बारे में तमाम ऐसे बातें कही जाती है जिन्हें देखकर लगता है कि अगर यही बात किसी और धर्म के बारे में कही गई होती तो क्या उस धर्म के अनुयायी भी इतने ही सहिष्णु होकर ये फिल्म देखने जाते। जाकिर नायक जैसे धर्म प्रचारकों के हत्कांडा का पर्दाफाश करती फिल्म द केरल स्टोरी खत्म होते होते एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित फिल्म बन जाती है जिसे कहना हर कालखंड में जरूरी लगता है। आदा शर्मा फिल्म द केरल स्टोरी में मुख्य भूमिका निभा रही है। पहले शालिनी और फिर फतिमा के किरदार में उन्होंने फिल्म को एक तरह से अपनी दोनों कंधों पर उठाए रखा है। केरल से ताल्लुक रखने वाली अपनी माँ से मलयालम उन्हें घुट्टी में मिली ही थी। वो पर्दे पर मलयालम बोलती भी कमाल की है। फिल्म दिल से के बाद ये दूसरी हिंदी फिल्म है जिसमें मलयालम में गाने हैं और भाषा समझ में ना आने के बावजूद सिर्फ आदा शर्मा के अभिनय और बीरेश श्रीवलासा के मधुर संगीत से ये गाना बहुत ही सुरुचिपूर्ण प्रभाव पैदा करने में सफल रहता है। फिल्म के रचनात्मक निर्देशक और निर्माता बिपुल अमृतलाल साहा की इस बात के लिए दाद देनी चाहिए कि उन्होंने एक कठिन विषय पर फिल्म बनाते समय उसके कलाकारों के चयन में कोई समझौता नहीं किया गया है और उनकी पसंदीदा अदाकारा आदा शर्मा को इस फिल्म में अभिनय के लिए आने वाले समय में पुरस्कार मिलनी ही मिलनी चाहिए। फिल्म द केरल स्टोरी में शालिनी को
सहेली की किरदार में योगिता बिहानी और सिद्धि इदनानी ने भी बहुत ही असरदार अभिनय किया है। एक कम्युनिस्ट नेता की बेटी के रोल में सिद्धि अपने किरदार का पूरा ग्राफ जीती है और प्रेम में डूबी लड़की से लेकर अपनी अस्तित्व गवाकर होश में आई लड़की की घुटने ना टेकने वाले ऐलान तक की दृश्य में उनका अभिनय नोटिस करने लायक है। योगिता बिहानी के किरदार का काम फिल्म में होशियार लड़की का है, लेकिन धोखे से जब उसके साथ भी सामूहिक बलात्कार होता है तो वो इस पूरे पांडे यंत्र का पर्दाफाश करने का बीड़ा उठाती है और इस किरदार को पर्दे पर उसके सारे अभिव्ययों के साथ योगिता ने बहुत ही खूबसूरती से पेश भी किया है। सोनिया बलानी यह उस युवती के किरदार में है जिसके पास साधारण घर की युवतियों को बहलाना फुसला कर उस युवकों की आगोश में पहुंचाना है और उनकी जिम्मेदारी है जो उनका सिल भंग करके उन्हें अपने कहे रास्ते पर चलने को मजबूर कर देते हैं। अपने इस किरदार में सोनिया कभी बिंदु तो कभी अरुणा ईरानी की याद दिलाती है। फिल्म द केरल स्टोरी पर तमाम आरोप लगे हैं, आगे भी लगने ही रहेंगे, लेकिन उसके निर्देशक सुदीप्त सेन ने तथ्य पर कायम रखते हुए एक संतुलित फिल्म बनाने की अच्छी कोशिश की है। फिल्म के कुछ दृश्य काफी भयावह है और कमजोर दिल के लोगों को असहज भी कर सकते हैं, लेकिन ये कथानक की गंभीरता जानने के लिए जरूरी भी नजर आते हैं। विश्व सिनेमा से सुदीप्त की नजर दी किया यह उन्हें अपनी विषय पर पकड़ बनाए रखने में पूरी मदद करती है। सुदीप्त की सिनेमा के बारे में जिन्हें पता है वो उनकी शैली की कौशल को कायल ही रहे हैं। वो सिनेमा में मेलोड्रामा पनपने नहीं देते, उनके दृश्य की नाटकीयता भी दहे तक हदे तय है और ये हदे भी फिल्म द केरल स्टोरी को एक अच्छी फिल्म का तगमा दिलाने में मदद करती है। फिल्म के संगीत जैसी है सरलता उसकी तकनीकी टीम में भी है। केरल से लेकर सीरिया और अफगानिस्तान जैसे इलाकों को पर्दे पर दिखाने के लिए इनकी वास्तविकता के बेहद करीब के स्थलों को फिल्माने के लिए फिल्म के छाया निर्देशक प्रशांतनु महापात्र ने अपने कैमरे को बेहद ही सत कर रखा है। कॉस्ट्यूम डिजाइनर राधिका मेहरा की मेहनत फिल्म की किरदारों की वेशभूषा में अच्छे से झलकती है और अंगना सेन वो चेतन आश्चर्य ने फिल्म का वातावरण संजोने में अपनी प्रोडक्शन डिजाइन टीम के साथ मिलकर काफी मेहनत की है। फिल्म के खटकने वाले जो पहलू है वो है उसका बैकग्राउंड म्यूजिक और उसके मारधार वाले दृश्यों का संयोजन। फिल्म के कलाकारों का मेकअप भी थोड़ा बेहतर और दृश्य के प्रकाश संयोजन के हिसाब से होता तो असर गहरा होता। फिल्म द केरल स्टोरी इन कुछ कमियों के बावजूद अपना समग्र असर छोड़ने में सफल रहती है और अगर इसे निष्पक्ष भाव से देखा जाए तो ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म बिल्कुल नहीं नजर आती। आदा शर्मा की रोंगटे खड़े कर देने वाली अदाकारी, केरल की युवतियों की दर्दनाक दास्ता। इस बात में कोई शक नहीं है कि सिनेमा जनमानस की अवधारणाओं को बदलने के लिए बहुत बड़ी ताकत रखता है। अमेरिका और रूस ने अपनी अपनी सियासी विचारधारा को दुनिया भर में पोषित करने के लिए सिर्फ अपने अपने देश के सिनेमा का ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जहां जहां उन्हें उभरती अर्थव्यवस्थाएं दिखी वहां तक की सिनेमा को अपने हिसाब से घुमाया है। अब बारी भारत की है। भारत की अपनी विचारधारा क्या है ये बात दुनिया को समझाने की जरूरत है। जरूरत उस पूरी नई पीढ़ी को भी समझने की है जिसके लिए प्यार पहली नजर का बुखार होता है, लेकिन कई बार ये बुखार अपने पीछे एक ऐसा बीमार छोड़ जाता है जो ना सिर्फ अपने परिवार को बल्कि आसपास की पूरी समाज को संक्रामित कर देता है। फिल्म द केरल स्टोरी पर एजेंडा फिल्म होने के आरोप लगे हैं। आरोप लगा कि 30,000 लड़कियों के धर्म परिवर्तन का आंकड़ा झूठा है। ये फिल्म कहानी चार युवतियों की है, तीन पाले की एक तरफ और चौथी दूसरी तरफ, लेकिन अगर ये सच्ची कहानी किसी एक भारतीय युवती की भी है तो इसे दुनिया को दिखाया जाना चाहिए।
अरसे तक मुझे लव जिहाद शब्द से प्रयोग पर गंभीर आपत्ति रही थी, लेकिन फिल्म द केरल स्टोरी सिरे से समझाती है कि इसे कैसे अंजाम दिया जाता है। फिल्म खत्म होने के बाद उन परिवारों को लोगों की असल इंटरव्यू दिखाया गया है जिनके साथ ये सब वाकई हो चुका है। एक हंसते खिलते परिवार की युवती शालिनी, जिसे अपनी संस्कृति, अपने परिवार, अपने रहन सहन और अपने आस पड़ोस से प्यार है, नर्स बनने के लिए वो नर्सिंग कॉलेज आती है। हॉस्टल में उसकी जिन युवतियों से दोस्ती है उनमें से एक उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाने का ताना बाना बुनती है जहां से वापसी की राह नहीं है। केरल से श्रीलंका, श्रीलंका से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से सीरिया का उसका सफर वहां आकर थमता है जहां उसकी जैसी तमाम लड़कियां आतंकवादी संगठन ISISI के कैंप में सिर्फ इसलिए जमा की गई है कि वो आतंकवादियों की देह की भूख मिटा सके। कहानियां फिल्म में और भी है, लेकिन सिर्फ ये एक कहानी झंझोर देने के लिए काफी है। फिल्म द केरल स्टोरी शुरू होती है और बताती है कि जिन युवतियों की कहानी पर ये फिल्म बनी है उनके घर वालों ने कैमरे पर अपनी आप बीती सुनाई है। शुरू शुरू में तो लगता है कि ये एक ऐसी फिल्म है जिसे किसी खास राजनीतिक उद्देश्य से ही बनाया गया है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है ये दर्शकों को अपने साथ जोड़ने लगती है। दिखावे की हमले, दिखावे की सुनाहानुभूति और दिखावे की प्रेम से युवतियों को बगर लाया जाता है। इस्लाम के मायने तोड़ मोड़ कर समझाए जाते हैं, जहां तक कि हिंदू देवी देवताओं और ईसा मसीह के बारे में तमाम ऐसे बातें कही जाती है जिन्हें देखकर लगता है कि अगर यही बात किसी और धर्म के बारे में कही गई होती तो क्या उस धर्म के अनुयायी भी इतने ही सहिष्णु होकर ये फिल्म देखने जाते। जाकिर नायक जैसे धर्म प्रचारकों के हथकांडा का पर्दाफाश करती फिल्म द केरल स्टोरी खत्म होते होते एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित फिल्म बन जाती है जिसे कहना हर कालखंड में जरूरी लगता है। आदा शर्मा फिल्म द केरल स्टोरी में मुख्य भूमिका निभा रही है। पहले शालिनी और फिर फतिमा के किरदार में उन्होंने फिल्म को एक तरह से अपनी दोनों कंधों पर उठाए रखा है। केरल से ताल्लुक रखने वाली अपनी माँ से मलयालम उन्हें घुट्टी में मिली ही थी। वो पर्दे पर मलयालम बोलती भी कमाल की है। फिल्म दिल से के बाद ये दूसरी हिंदी फिल्म है जिसमें मलयालम में गाने हैं और भाषा समझ में ना आने के बावजूद सिर्फ आदा शर्मा के अभिनय और बीरेश श्रीवलासा के मधुर संगीत से ये गाना बहुत ही सुरुचिपूर्ण प्रभाव पैदा करने में सफल रहता है। फिल्म के रचनात्मक निर्देशक और निर्माता विपुल अमृतलाल साहा की इस बात के लिए दाद देनी चाहिए कि उन्होंने एक कठिन विषय पर फिल्म बनाते समय उसके कलाकारों के चयन में कोई समझौता नहीं किया गया है और उनकी पसंदीदा अदाकारा आदा शर्मा को इस फिल्म में अभिनय के लिए आने वाले समय में पुरस्कार मिलनी ही मिलनी चाहिए। फिल्म द केरल स्टोरी में शालिनी को सहेलिए की किरदार में योगिता बिहानी और सिद्धि इदनानी ने भी बहुत ही असरदार अभिनय किया है। एक कम्युनिस्ट नेता की बेटी के रोल में सिद्धि अपने किरदार का पूरा ग्राफ जीती है और प्रेम में डूबी लड़की से लेकर अपनी अस्तित्व गवाकर होश में आई लड़की की घुटने ना टेकने वाले ऐलान तक की दृश्य में उनका अभिनय नोटिस करने लायक है। योगिता बिहानी के किरदार का काम फिल्म में होशियार लड़की का है, लेकिन धोखे से जब उसके साथ भी सामूहिक बलात्कार होता है तो वो इस पूरे पांडे यंत्र का पर्दाफाश करने का बीड़ा उठाती है और इस किरदार को पर्दे पर उसके सारे अभिव्ययों के साथ योगिता ने बहुत ही खूबसूरती से पेश भी किया है। सोनिया बलानी यह उस युवती के किरदार में है जिसके पास साधारण घर की युवतियों को बहलाना फुसलाकर उस युवकों की आगोश में पहुंचाना है और उनकी जिम्मेदारी है जो उनका सिल भंग करके उन्हें अपने कहे रास्ते पर चलने को मजबूर कर देते हैं। अपने इस किरदार में सोनिया कभी बिंदु तो कभी अरुणा ईरानी की याद दिलाती है। फिल्म द केरल स्टोरी पर तमाम आरोप लगे हैं, आगे भी लगने ही रहेंगे, लेकिन उसके निर्देशक सुदीप्त सेन ने तथ्य पर कायम रखते हुए एक
संतुलित फिल्म बनाने की अच्छी कोशिश की है। फिल्म के कुछ दृश्य काफी भयावह हैं और कमजोर दिल के लोगों को असहज भी कर सकते हैं, लेकिन ये कथानक की गंभीरता जानने के लिए जरूरी भी नजर आते हैं। विश्व सिनेमा से सुदीप्त की नजर दीकिया यहाँ उन्हें अपने विषय पर पकड़ बनाए रखने में पूरी मदद करती है। सुदीप्त की सिनेमा के बारे में जिन्हें पता है वो उनकी शैली की कौशल को कायल ही रहे हैं। वो सिनेमा में मेलोड्रामा पनपने नहीं देते, उनके दृश्य की नाटकीयता भी दहे तक हदे तय है और ये हदे भी फिल्म द केरल स्टोरी को एक अच्छी फिल्म का तगमा दिलाने में मदद करती है। फिल्म के संगीत जैसी है सरलता उसकी तकनीकी टीम में भी है। केरल से लेकर सीरिया और अफगानिस्तान जैसे इलाकों को पर्दे पर दिखाने के लिए इनकी वास्तविकता के बेहद करीब के स्थलों को फिल्माने के लिए फिल्म के छाया निर्देशक प्रशांतनु महापात्र ने अपने कैमरे को बेहद ही सत कर रखा है। कॉस्ट्यूम डिजाइनर राधिका मेहरा की मेहनत फिल्म की किरदारों की वेशभूषा में अच्छे से झलकती है और अंगना सेन वो चेतन आश्चर्य ने फिल्म का वातावरण संजोने में अपनी प्रोडक्शन डिजाइन टीम के साथ मिलकर काफी मेहनत की है। फिल्म के खटकने वाले जो पहलू है वो है उसका बैकग्राउंड म्यूजिक और उसके मारधार वाले दृश्यों का संयोजन। फिल्म के कलाकारों का मेकअप भी थोड़ा बेहतर और दृश्य के प्रकाश संयोजन के हिसाब से होता तो असर गहरा होता। फिल्म द केरल स्टोरी इन कुछ कमियों के बावजूद अपना समग्र असर छोड़ने में सफल रहती है और अगर इसे निष्पक्ष भाव से देखा जाए तो ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म बिल्कुल नहीं नजर आती। अदा शर्मा की रोंगटे खड़े कर देने वाली अदाकारी, केरल की युवतियों की दर्दनाक दास्ता। इस बात में कोई शक नहीं है कि सिनेमा जनमानस की अवधारणाओं को बदलने के लिए बहुत बड़ी ताकत रखता है। अमेरिका और रूस ने अपनी अपनी सियासी विचारधारा को दुनिया भर में पोषित करने के लिए सिर्फ अपने अपने देश की सिनेमा का ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ उन्हें उभरती अर्थव्यवस्थाएं दिखी वहां तक की सिनेमा को अपने हिसाब से घुमाया है। अब बारी भारत की है। भारत की अपनी विचारधारा क्या है ये बात दुनिया को समझाने की जरूरत है। जरूरत उस पूरी नई पीढ़ी को भी समझने की है जिसके लिए प्यार पहली नजर का बुखार होता है, लेकिन कई बार ये बुखार अपने पीछे एक ऐसा बीमार छोड़ जाता है जो ना सिर्फ अपने परिवार को बल्कि आसपास की पूरी समाज को संक्रामित कर देता है। फिल्म द केरल स्टोरी पर एजेंडा फिल्म होने के आरोप लगे हैं। आरोप लगा कि 30,000 लड़कियों के धर्म परिवर्तन का आंकड़ा झूठा है। ये फिल्म कहानी चार युवतियों की है, तीन पाले की एक तरफ और चौथी दूसरी तरफ। लेकिन अगर ये सच्ची कहानी किसी एक भारतीय युवती की भी है तो इसे दुनिया को दिखाया जाना चाहिए। अरसे तक मुझे लव जिहाद शब्द से प्रयोग पर गंभीर आपत्ति रही थी, लेकिन फिल्म द केरल स्टोरी सिरे से समझाती है कि इसे कैसे अंजाम दिया जाता है। फिल्म खत्म होने के बाद उन परिवारों को लोगों की असल इंटरव्यू दिखाया गया है जिनके साथ ये सब वाकई हो चुका है। एक हंसते खेलते परिवार की युवती शालिनी, जिसे अपनी संस्कृति, अपने परिवार, अपने रहन सहन और अपने आस पड़ोस से प्यार है। नर्स बनने के लिए वो नर्सिंग कॉलेज आती है। हॉस्टल में उसकी जिन युवतियों से दोस्ती है उनमें से एक उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाने का ताना वाना बुनती है जहाँ से वापसी की राह नहीं है। केरल से श्रीलंका, श्रीलंका से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से सीरिया का उसका सफर वहां आकर थमता है जहां उसकी जैसी तमाम लड़कियां आतंकवादी संगठन ISISI के कैंप में सिर्फ इसलिए जमा की गई है कि वो आतंकवादियों की देह की भूख मिटा सके। कहानियां फिल्म में और भी है, लेकिन सिर्फ ये एक कहानी झंझोर देने के लिए काफी है। फिल्म द केरल स्टोरी शुरू होती है और बताती है कि जिन युवतियों की कहानी पर ये फिल्म बनी है उनके घर वालों ने कैमरे पर अपनी आप बीती सुनाई है। शुरू शुरू में तो लगता है कि ये एक ऐसी फिल्म है जिसे किसी खास राजनीतिक उद्देश्य से ही बनाया गया है,
लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है ये दर्शकों को अपने साथ जोड़ने लगती है। दिखावे की हमले, दिखावे की सुनाहानुभूति और दिखावे की प्रेम से युवतियों को बगर लाया जाता है। इस्लाम के मायने तोड़ मोड़ कर समझाए जाते हैं, जहां तक कि हिंदू देवी देवताओं और ईसा महीम के बारे में तमाम ऐसे बातें कही जाती है जिन्हें देखकर लगता है कि अगर यही बात किसी और धर्म के बारे में कही गई होती तो क्या उस धर्म के अनुयायी भी इतने ही सहिष्णु होकर ये फिल्म देखने जाते। जाकिर नायक जैसे धर्म प्रचारकों के हथकांड का पर्दाफाश करती फिल्म द केरल स्टोरी खत्म होते होते एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित फिल्म बन जाती है जिसे कहना हर कालखंड में जरूरी लगता है। आदा शर्मा फिल्म द केरल स्टोरी में मुख्य भूमिका निभा रही है। पहले शालिनी और फिर फतिमा के किरदार में उन्होंने फिल्म को एक तरह से अपनी दोनों कंधों पर उठाए रखा है। केरल से ताल्लुक रखने वाली अपनी माँ से मलयालम उन्हें घुट्टी में मिली ही थी। वो पर्दे पर मलयालम बोलती भी कमाल की है। फिल्म दिल से के बाद ये दूसरी हिंदी फिल्म है जिसमें मलयालम में गाने हैं और भाषा समझ में ना आने के बावजूद सिर्फ आदा शर्मा के अभिनय और बीरेश श्रीवलासा के मधुर संगीत से ये गाना बहुत ही सुरुचिपूर्ण प्रभाव पैदा करने में सफल रहता है। फिल्म के रचनात्मक निर्देशक और निर्माता बिपुल अमृतलाल साहा की इस बात के लिए दाद देनी चाहिए कि उन्होंने एक कठिन विषय पर फिल्म बनाते समय उसके कलाकारों के चयन में कोई समझौता नहीं किया गया है और उनकी पसंदीदा अदाकारा आदा शर्मा को इस फिल्म में अभिनय के लिए आने वाले समय में पुरस्कार मिलनी ही मिलनी चाहिए। फिल्म द केरल स्टोरी में शालिनी को सहेलिए के किरदार में योगिता बिहानी और सिद्धि इदनानी ने भी बहुत ही असरदार अभिनय किया है। एक कम्युनिस्ट नेता की बेटी के रोल में सिद्धि अपने किरदार का पूरा ग्राफ जीती है और प्रेम में डूबी लड़की से लेकर अपनी अस्तित्व गवाकर होश में आई लड़की की घुटने ना टेकने वाले ऐलान तक की दृश्य में उनका अभिनय नोटिस करने लायक है। योगिता बिहानी के किरदार का काम फिल्म में होशियार लड़की का है, लेकिन धोखे से जब उसके साथ भी सामूहिक बलात्कार होता है तो वो इस पूरे पांडे यंत्र का पर्दाफाश करने का बीड़ा उठाती है और इस किरदार को पर्दे पर उसके सारे अभिव्ययों के साथ योगिता ने बहुत ही खूबसूरती से पेश भी किया है। सोनिया बलानी यहाँ उस युवती के किरदार में है जिसके पास साधारण घर की युवतियों को बहलाना फुसला कर उस युवकों की आगोश में पहुंचाना है और उनकी जिम्मेदारी है जो उनका सिल भंग करके उन्हें अपने कहे रास्ते पर चलने को मजबूर कर देते हैं। अपने इस किरदार में सोनिया कभी बिंदु तो कभी अरुणा ईरानी की याद दिलाती है। फिल्म द केरल स्टोरी पर तमाम आरोप लगे हैं, आगे भी लगने ही रहेंगे, लेकिन उसके निर्देशक सुदीप्त सेन ने तथ्य पर कायम रखते हुए एक संतुलित फिल्म बनाने की अच्छी कोशिश की है। फिल्म के कुछ दृश्य काफी भयावह है और कमजोर दिल के लोगों को असहज भी कर सकते हैं, लेकिन ये कथानक की गंभीरता जानने के लिए जरूरी भी नजर आते हैं। विश्व सिनेमा से सुदीप्त की नजर दीकिया यहाँ उन्हें अपनी विषय पर पकड़ बनाए रखने में पूरी मदद करती है। सुदीप्त की सिनेमा के बारे में जिन्हें पता है वो उनकी शैली की कौशल को कायल ही रहे हैं। वो सिनेमा में मेलोड्रामा पनपने नहीं देते, उनके दृश्य की नाटकीयता भी दहे तक हदे तय है और ये हदे भी फिल्म द केरल स्टोरी को एक अच्छी फिल्म का तगमा दिलाने में मदद करती है। फिल्म के संगीत जैसी है सरलता उसकी तकनीकी टीम में भी है। केरल से लेकर सीरिया और अफगानिस्तान जैसे इलाकों को पर्दे पर दिखाने के लिए इनकी वास्तविकता के बेहद करीब के स्थलों को फिल्माने के लिए फिल्म के छाया निर्देशक प्रशांतनु महापात्र ने अपने कैमरे को बेहद ही सत कर रखा है। कॉस्ट्यूम डिजाइनर राधिका मेहरा की मेहनत फिल्म के किरदारों की वेशभूषा में अच्छे से झलकती है और अंगना सेन वो चेतन आश्चर्य ने फिल्म का वातावरण संजोने में अपनी प्रोडक्शन डिजाइन टीम के साथ मिलकर काफी मेहनत की है।
फिल्म के खटकने वाले जो पहलू है वो है उसका बैकग्राउंड म्यूजिक और उसके मार धाड़ वाले दृश्यों का संयोजन। फिल्म के कलाकारों का मेकअप भी थोड़ा बेहतर और दृश्य के प्रकाश संयोजन के हिसाब से होता तो असर गहरा होता। फिल्म द केरल स्टोरी इन कुछ कमियों के बावजूद अपना समग्र असर छोड़ने में सफल रहती है और अगर इसे निष्पक्ष भाव से देखा जाए तो ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म बिल्कुल नहीं नजर आती। आदा शर्मा की रोंगटे खड़े कर देने वाली अदाकारी, केरल की युवतियों की दर्दनाक दास्ता। इस बात में कोई शक नहीं है कि सिनेमा जनमानस की अवधारणाओं को बदलने के लिए बहुत बड़ी ताकत रखता है। अमेरिका और रूस ने अपनी अपनी सियासी विचारधारा को दुनिया भर में पोषित करने के लिए सिर्फ अपने अपने देश के सिनेमा का ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ उन्हें उभरती अर्थव्यवस्थाएं दिखी वहाँ तक की सिनेमा को अपने हिसाब से घुमाया है। अब बारी भारत की है। भारत की अपनी विचारधारा क्या है ये बात दुनिया को समझाने की जरूरत है। जरूरत उस पूरी नई पीढ़ी को भी समझने की है जिसके लिए प्यार पहली नजर का बुखार होता है, लेकिन कई बार ये बुखार अपने पीछे एक ऐसा बीमार छोड़ जाता है जो ना सिर्फ अपने परिवार को बल्कि आसपास की पूरी समाज को संक्रामित कर देता है। फिल्म द केरल स्टोरी पर एजेंडा फिल्म होने के आरोप लगे हैं। आरोप लगा कि 30,000 लड़कियों के धर्म परिवर्तन का आंकड़ा झूठा है। ये फिल्म कहानी चार युवतियों की है, तीन पाले की एक तरफ और चौथी दूसरी तरफ। लेकिन अगर ये सच्ची कहानी किसी एक भारतीय युवती की भी है तो इसे दुनिया को दिखाया जाना चाहिए। अरसे तक मुझे लव जिहाद शब्द से प्रयोग पर गंभीर आपत्ति रही थी, लेकिन फिल्म द केरल स्टोरी सिरे से समझाती है कि इसे कैसे अंजाम दिया जाता है। फिल्म खत्म होने के बाद उन परिवारों को लोगों की असल इंटरव्यू दिखाया गया है जिनके साथ ये सब वाकई हो चुका है। एक हंसते खेलते परिवार की युवती शालिनी, जिसे अपनी संस्कृति, अपने परिवार, अपने रहन सहन और अपने आस पड़ोस से प्यार है। नर्स बनने के लिए वो नर्सिंग कॉलेज आती है। हॉस्टल में उसकी जिन युवतियों से दोस्ती है उनमें से एक उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाने का ताना बाना बुनती है जहाँ से वापसी की राह नहीं है। केरल से श्रीलंका, श्रीलंका से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से सीरिया का उसका सफर वहां आकर थमता है जहां उसकी जैसी तमाम लड़कियां आतंकवादी संगठन ISISI के कैंप में सिर्फ इसलिए जमा की गई है कि वो आतंकवादियों की देह की भूख मिटा सके। कहानियां फिल्म में और भी है, लेकिन सिर्फ ये एक कहानी झंझोर देने के लिए काफी है। फिल्म द केरल स्टोरी शुरू होती है और बताती है कि जिन युवतियों की कहानी पर ये फिल्म बनी है उनके घर वालों ने कैमरे पर अपनी आप बीती सुनाई है। शुरू में तो लगता है कि ये एक ऐसी फिल्म है जिसे किसी खास राजनीतिक उद्देश्य से ही बनाया गया है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है ये दर्शकों को अपने साथ जोड़ने लगती है। दिखावे की हमले, दिखावे की सुनाहानुभूति और दिखावे की प्रेम से युवतियों को बगर लाया जाता है। इस्लाम के मायने तोड़ मोड़ कर समझाए जाते हैं, जहां तक कि हिंदू देवी देवताओं और ईसा महीम के बारे में तमाम ऐसे बातें कही जाती है जिन्हें देखकर लगता है कि अगर यही बात किसी और धर्म के बारे में कही गई होती तो क्या उस धर्म के अनुयायी भी इतने ही सहिष्णु होकर ये फिल्म देखने जाते। जाकिर नायक जैसे धर्म प्रचारकों के हथकांडा का पर्दाफाश करती फिल्म द केरल स्टोरी खत्म होते होते एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित फिल्म बन जाती है जिसे कहना हर कालखंड में जरूरी लगता है। आदा शर्मा फिल्म द केरल स्टोरी में मुख्य भूमिका निभा रही है। पहले शालिनी और फिर फतिमा के किरदार में उन्होंने फिल्म को एक तरह से अपनी दोनों कंधों पर उठाए रखा है। केरल से ताल्लुक रखने वाली अपनी माँ से मलयालम उन्हें घुट्टी में मिली ही थी। वो पर्दे पर मलयालम बोलती भी कमाल की है। फिल्म दिल से के बाद ये दूसरी हिंदी फिल्म है जिसमें मलयालम में गाने हैं और भाषा समझ में ना आने के बावजूद सिर्फ आदा शर्मा के अभिनय और बीरेश
श्री विलासा के मधुर संगीत से ये गाना बहुत ही सुरुचिपूर्ण प्रभाव पैदा करने में सफल रहता है। फिल्म के रचनात्मक निर्देशक और निर्माता विपुल अमृतलाल साहा की इस बात के लिए दाद देनी चाहिए कि उन्होंने एक कठिन विषय पर फिल्म बनाते समय उसके कलाकारों के चयन में कोई समझौता नहीं किया गया है और उनकी पसंदीदा अदाकारा आदर्श शर्मा को इस फिल्म में अभिनय के लिए आने वाले समय में पुरस्कार मिलनी ही मिलनी चाहिए। फिल्म द केरल स्टोरी में शालिनी को सहेली की किरदार में योगिता बिहानी और सिद्धि इदनानी ने भी बहुत ही असरदार अभिनय किया है। एक कम्युनिस्ट नेता की बेटी के रोल में सिद्धि अपने किरदार का पूरा ग्राफ जीती है और प्रेम में डूबी लड़की से लेकर अपनी अस्तित्व गवाकर होश में आई लड़की की घुटने ना टेकने वाले अलार्म तक की दृश्य में उनका अभिनय नोटिस करने लायक है। योगिता बिहानी के किरदार का काम फिल्म में होशियार लड़की का है, लेकिन धोखे से जब उसके साथ भी सामूहिक बलात्कार होता है तो वो इस पूरे पांडे यंत्र का पर्दाफाश करने का बीड़ा उठाती है और इस किरदार को पर्दे पर उसके सारे अभिव्ययों के साथ योगिता ने बहुत ही खूबसूरती से पेश भी किया है। सोनिया बलानी यह उस युवती के किरदार में है जिसके पास साधारण घर की युवतियों को बहलाना फुसला कर उस युवकों की आगोश में पहुंचाना है और उनकी जिम्मेदारी है जो उनका सिल भंग करके उन्हें अपने कहे रास्ते पर चलने को मजबूर कर देते हैं। अपने इस किरदार में सोनिया कभी बिंदु तो कभी अरुणा ईरानी की याद दिलाती है। फिल्म द केरल स्टोरी पर तमाम आरोप लगे हैं, आगे भी लगने ही रहेंगे, लेकिन उसके निर्देशक सुदीप्त सेन ने तथ्य पर कायम रखते हुए एक संतुलित फिल्म बनाने की अच्छी कोशिश की है। फिल्म के कुछ दृश्य काफी भयावह है और कमजोर दिल के लोगों को असहज भी कर सकते हैं, लेकिन ये कथानक की गंभीरता जानने के लिए जरूरी भी नजर आते हैं। विश्व सिनेमा से सुदीप्त की नजर दी किया यह उन्हें अपनी विषय पर पकड़ बनाए रखने में पूरी मदद करती है। सुदीप्त की सिनेमा के बारे में जिन्हें पता है वो उनकी शैली की कौशल को कायल ही रहे हैं। वो सिनेमा में मेलोड्रामा पनपने नहीं देते, उनके दृश्य की नाटकीयता भी दहे तक हदे तय है और ये हदे भी फिल्म द केरल स्टोरी को एक अच्छी फिल्म का तगमा दिलाने में मदद करती है। फिल्म के संगीत जैसी है सरलता उसकी तकनीकी टीम में भी है। केरल से लेकर सीरिया और अफगानिस्तान जैसे इलाकों को पर्दे पर दिखाने के लिए इनकी वास्तविकता के बेहद करीब के स्थलों को फिल्माने के लिए फिल्म के छाया निर्देशक प्रशांतनु महापात्र ने अपने कैमरे को बेहद ही सत कर रखा है। कॉस्ट्यूम डिजाइनर राधिका मेहरा की मेहनत फिल्म के किरदारों की वेशभूषा में अच्छे से झलकती है और अंगना सेन वो चेतन आश्चर्य ने फिल्म का वातावरण संजोने में अपनी प्रोडक्शन डिजाइन टीम के साथ मिलकर काफी मेहनत की है। फिल्म के खटकने वाले जो पहलू है वो है उसका बैकग्राउंड म्यूजिक और उसके मारधार वाले दृश्यों का संयोजन। फिल्म के कलाकारों का मेकअप भी थोड़ा बेहतर और दृश्य के प्रकाश संयोजन के हिसाब से होता तो असर गहरा होता। फिल्म द केरल स्टोरी इन कुछ कमियों के बावजूद अपना समग्र असर छोड़ने में सफल रहती है और अगर इसे निष्पक्ष भाव से देखा जाए तो ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म बिल्कुल नहीं नजर आती।